Assalamu alaikum everyone, welcome to Streamers Showdown Finals Day में जो कि रमदान कप का फाइनल डे वन यहाँ पर शुरू हुआ है, आगाज हुआ है एंड आप सबके रोजे जो सा हैं उम्मीद करता हूँ बेहतरीन गुजर रहे होंगे और आप सब खुश होंगे
खुशबाश होंगे, खैरो आफियत से होंगे। और इसी के साथ जो सा देखते देखते हमारे चार दिन जो से हैं गुजर चुके हैं, इंटरनेशनल ग्रुप भी यहाँ पर गुजर चुका है और पाकिस्तान ग्रुप भी ये जो सा है गुजर ही गया है। और अब फाइनल्स का डे वन यहाँ पर चल रहा है, जो कि सबसे पहला मैच होने वाला है। आज के दिन चार मैचेस होंगे, एक ही फाइनल का ग्रुप है और इसके अंदर चार दिन रहेंगे पर डे के, जैसे कि यूजुअली होता है। और इसके अंदर थोड़ा सा हमें मज़ा आज ये आने वाला है, आज के दिन मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ मज़ा किस चीज़ का आने वाला है। वो ये है कि आज के दिन थोड़ा सा मिक्सअप चल रहा है। मिक्सअप क्या चल रहा है, वो ये है कि पाकिस्तान के एमुलेटर टीम्स हैं, मोबाइल टीम्स हैं, ऑन दी अदर हैंड इंटरनेशनल मोबाइल टीम्स हैं, आईपैड टीम्स हैं। तो ये एक डिफरेंट सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी, एक डिफरेंट स्ट्रेटजी देखने को मिलेंगी। एमुलेटर का जो सा है, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको पता है कि एमुलेटर की जो सा गेम स्टाइल रहता है कि हमने सिर्फ और सिर्फ अग्रेसिव खेलना है। बहुत कम जैसी टीम्स होती हैं, बहुत कम हैं वो, और ज़्यादातर वो हैं जिनके पास पीसी स्पेक्स या उनकी डिवाइसेस लो एंड हैं या एवरेज जो सी उनकी डिवाइसेस हैं, उनकी तरफ से होल्ड पे खेला जाता है। वरना ऐसी कोई टीम है नहीं है जो अग्रेसिव ना खेले। यूजली ऐसा देखने को मिलता है वन नॉक एंड पुश, और उसी में या तो डेड हो जाते हैं या फिर किल कर देते हैं, वाइप कर देते हैं। तो ये जो सा ग्रुप है, इसके अंदर हमें डिफरेंट टीम्स दिखने को मिलेंगी, आईपैड टीम्स, मोबाइल टीम्स, एमुलेटर टीम्स, एमुलेटर की जो सी है आईपैड व्यू वाले टीम्स। तो ये सारा कुछ इसके अंदर अलाउड रहने वाला है। तो ये चीज़ है इसके अंदर। और एक दूसरी जानब मोबाइल टीम्स हैं जिसके अंदर हम लेते चले हैं, मोबाइल टीम्स जो कि लीड कर रहे हैं स्ट्रीमर्स। यहाँ पर एमुलेटर की टीम रहने वाली है, एक जो कि नॉर्मल का लाइनअप है जो स्ट्रीमर रहने वाले हैं। और इस जानब लिए चले जो कि तीन प्लेयर्स उनके डेड रहने वाले हैं। सेमी गेमिंग का यहाँ पर स्क्वाड रहेगा, सेमी गेमिंग यहाँ पर डेड हो चुके हैं। एग्जायर इनके पास दो किल रहने वाले हैं, एक किल क्रेड के पास रहने वाला है। सो सेमी गेमिंग यहाँ पर खुद डेड हो चुकी हैं, दो प्लेयर्स उनके डेड हो चुके हैं, वार्डन एंड एग्जायरन रहने वाले हैं। जो है अपने ग्रुप में इन्होंने काफ़ी अच्छा प्ले किया था और इनकी फाइट जो उसके दिखने की मिली थी मिप्सर प्लेयर्स के लाइनअप के साथ, स्क्वाड के साथ। तो मिप्सर प्लेयर्स के पास दो किल तो रहने वाले हैं। सो दोनों ही टीम्स ने इक्वली एक दूसरे टीम्स को डैमेज किया है। और वो है तीन तीन प्लेयर्स का जनाब, सोलो प्लेयर्स यहाँ पर रहने वाले हैं। ड्रॉप क्लैश के नतीजे में फाइट दिखने को मिली थी, मिप्सर का प्लेयर्स का एक प्लेयर यहाँ पर रहने वाला है। और यहाँ पर आरजी शामो का जो सा है रहने वाला है, फोर मैन स्टैंडिंग आरजी शामो का स्क्वाड रहेगा जो कि अभी तक लूट मुकम्मल कर चुका है, गाड़ियों की तलाश में निकल पड़े हैं। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है प्लेयर्स बीडी का स्क्वाड जो कि फोर मैन स्टैंडिंग है। सेवन नेगन का ड्रॉप था, 18 टीम्स यहाँ पर प्ले करने वाली थी, 17 टीम्स यहाँ पर ज्वाइन की थी पहले मैच में। और यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं जो उनका स्क्वाड व्हीकल्स को कंप्लीट करके मूव ऑन करता नजर आ रहा है स्क्वाड की जाने। यहाँ पर मुजरिम प्लेयर्स का लाइनअप दिखाई दे रहा है फोर मैन स्टैंडिंग के साथ, जो को मुजरिम डेंजर एंड रस चौड़ रहेंगे। इनकी जानब से भी लूट मुकम्मल की गई है, शॉप से लूट की जा रही है। अगर हम लिए चले फेरी पियर वाले साइड पर, यहाँ पर आपको नस गेमिंग का स्क्वाड दिखाई दे रहा होगा, ट्राई आउट T13 एंड नॉट नाउ का यहाँ पर स्क्वाड रहेगा। ये नुस गेमिंग का यहाँ पर स्क्वाड है, बोर्ड पर रोटेशन की जाएगी, गाड़ियाँ नहीं इनके पास रहने वाली। और एक क्लस्टर दिखाई दे रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ब्रिज वाली साइड पर नीलपुरी का स्क्वाड रहेगा। नीलपुरी की जानब से अगर आपको याद हो, पहले ग्रुप जो सा है इंटरनेशनल का ग्रुप था, नीलपुरी की जानब से बड़ा प्यारा गेम प्ले किया गया था। टॉप टू टीम ऐसी थी जो कि वो बहुत आउट क्लास परफॉर्म करके आई थी। नीलपुरी सेकंड पोजीशन पर थी और जो ऐसा है इंटरनेशनल ग्रुप में उस स्टेज में सिमी गेमिंग टॉप पर थी।
यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। मैंने आपको बताया कि इसमें आपको बड़ी बड़ी डिफरेंट चीजें देखने को मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर हमें जैसे कि पहली चीज देखने को मिली है वो ये है कि जो पैराग्लाइडर का इस्तेमाल किया गया है पूरा जो सा है वाटर जो सा है जोर्जो सिटी को क्रॉस किया गया, लेकिन इनको गाड़ी मिली, उन्होंने ड्रॉप वो छोड़ के गाड़ी पे लूट करते हुए नजर आएंगे। और ऑन दी अदर एंड यहाँ पर ब्रिज को इग्नोर किया गया है, सेफ एंड खेला गया है यहाँ पर टिम्पियस की जानिब से, जो कि बोट पर एक और रोटेशन देखने को मिली है। ऑन दी अदर हैंड रोटेशन की गई थी बोट पर, एक और स्क्वाड था, आई डोंट नो, हाँ ये स्क्वाड था जो बोट की तरफ से पूरा घूम के पीछे वाली साइड से इस साइड पर वो एंट्री लिया उन्होंने, और एक अच्छी रोटेशन इनके लिए रहेगी। लेकिन इनके बिल्कुल करीब रहने वाले हैं एसआर का स्क्वाड, जो कि बादाम गेमिंग का स्क्वाड रहेगा, इनके बिल्कुल करीब B4B का लाइनअप रहेगा। सो यहाँ पर मेरे साथ बने रहिए, और अगर आपने इंजॉय करना है, अगर आप कुछ नया देखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो नया दिखने वाला है वो ये है कि यहाँ पर स्क्वाड दिखने वाले हैं एम्युलेटर के एंड मोबाइल प्लेयर्स के। और हमने पहले ग्रुप में देखा था कि एक बहुत डिफरेंट था, एक गेम स्टाइल ही डिफरेंट था मोबाइल वालों का, और होता है उनका। तो यहाँ पर मोबाइल का एम्युलेटर का दोनों जब एक दूसरे के साथ मिक्सअप होंगे तो क्या देखने को मिलता है, मोबाइल वालों को मुश्किल होती है या एम्युलेटर वालों को मुश्किल होती है, जो ये चीज यहाँ आज क्लियर होने वाली है कि मोबाइल वाले ज्यादा मारेंगे या एमुलेटर वाले ज्यादा मारेंगे। मोबाइल वाले कहते हैं कि एमुलेटर वाले तो हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं, बहुत टफ मारते हैं, बहुत डिफिकल्टी होती है हमें उनके साथ प्ले करने के लिए। और दूसरी तरफ जो एमुलेटर वाले हैं वो कहते हैं कि मोबाइल प्लेयर ज्यादा इजीली प्ले करते हैं, हमें ज्यादा गंदा मारते हैं, ज्यादा पूरी तरह हमें बीट करते हैं, तो उनका लैग भी नहीं होता, ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। तो आज के दिन यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि कौन सी बात दुरुस्त है, कौन सी बात ठीक है। ओवरऑल अगर रोटेशंस की बात करें तो M7 रोटेशन में मसरूफ है, RG की टीम रहेगी, सोलो मैन अभी T4 के बचे हैं मिक्सर प्लेयर्स के, और सोलो ही बचे हैं जो कि आई गेस सिमी गेमिंग के हैं, उनकी तरफ से भी अब जोन में एंट्री ली जाएगी। लेकिन जोन जो है ब्रिज का है, और ये जो चीज़ है थोड़ा सा मुश्किल में डालेगी, जैसे आपको लेफ्ट राइट ब्रिजेस पे अब क्लस्टर दिखने को मिलेंगे, बहुत सारी टीम्स एक ही रूट से रोटेशन कर रही है, उनको क्रॉस करना होगा। डाउन साइड पर नीलपुरी का स्क्वाड है, इनके बिल्कुल करीब से रोटेशन की गई हैं वो जोन प्लेस के लाइनअप की तरफ से। और जैसा ही नीलपुरी के मिस्टर ओनिक्स ने देखा कि यहाँ पर रोटेशन है, तो उनको थोड़ा सा देखने के लिए स्काउटिंग करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन ये एक जो सा है डेंजरस स्टेप स्टेप भी हो सकता है, क्योंकि वो जोन प्लेस का स्क्वाड भी उधर रहेगा। ओके जी, जगह चेंज की जा रही है, स्टेज 2 हमें देखने को मिल चुका है, और अभी तक के लिए 2.5 मिनट रहेंगे स्टार्ट होने में। इनके डॉक्टर की तरफ से फाइट दिखने को मिली है, इनके डॉक्टर ने नॉकआउट किया है यहाँ पर वोडका को, N1 वोडका को कर दिया है फिनिश। और जैसा मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर दो टीम्स, यही मजा मैं देखना चाह रहा था, दो टीम्स, एक मोबाइल टीम रहेगी जोई गेमिंग, और ऑन दी अदर हैंड रहेगी N1 T4G शहरी की तरफ से नॉकआउट देखने को मिला है। दोनों ही प्लेयर्स एक दूसरे पर नेड एक्सचेंज कर रहे हैं, एक प्लेयर को डाउन, डॉक्टर जी को कर दिया डाउन, और डॉक्टर जी को यहाँ पे 50% तक लो किया दोनों ही प्लेयर्स को। N1 चिड़ी ने काफी प्यारा लो किया है, N1 जो कि बहुत प्यारा खेल के क्वालिफाई करके आई है इस राउंड तक। और जो सी है NK जोई गेमिंग के स्क्वाड ने N1 के दो प्लेयर्स को कर दिया है फिनिश ऑफ बोट का। एंड टीपू टीपू जो के की प्लेयर उभर के आए थे लास्ट ग्रुप में, इस बार वो फिनिश ऑफ कर दिए गए हैं NK की तरफ से। और लिए चलते हैं आपको दूसरे कॉन्फ्लिक्ट की जानेब, जो के दो तीन फाइट्स यहाँ पे दिखने को मिलेंगी। R2H वर्सेस M7 यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है, R2H इनसेन के पास एक किल रहने वाला है M7 का, और यहाँ पे बगी उलट गई है M7 के शपाटर को, यहाँ पे कर दिया गया है फिनिश ऑफ, एक किल्स पॉइंट ले लिया है R2S ने। 3 मिनट स्टैंडिंग प्ले करना होगा, लेकिन यहाँ पे जो सी टीम्स ऑलरेडी उस तरफ रह गई हैं, उस पार रह गई हैं, जैसे भी RG को बहुत लेट रोटेशन करनी होगी, तो इनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम रहेगी, इशू रहेगा, डिफिकल्टी रहेगी, क्योंकि ब्रिज को क्रॉस करना होगा। जबकि यहाँ पे ब्रिज ब्लॉक कर लिया गया है TPS मोजरिम प्लेस के लाइनअप की जानब से, तो R2S कैलक्रॉप की तरफ से पार्क हीरो को भी कर दिया जाएगा डाउन। टीम M7 ने दो टीम एक दूसरे के मुंह पर पार्टी को भी फिनिश ऑफ, लाहौर ने यहाँ पे कर दिया कौन
कॉन्सेप्ट बचे हैं, कॉन्सेप्ट को भी कर दिया, अकेले बचे हैं ज़ेरॉक्स के टीम R2H। यहाँ पर बहुत अच्छा अपना जो सा है उन्होंने धाप जमाया, लेकिन M7 ने बहुत प्यारे से डिफेंड किया है फाइट को। दो प्लेयर्स उन्होंने अपने दिखवा दिए थे, लेकिन M7 लाहौर ने थोड़ा सा यहाँ पर फाइट अच्छे तरीके से दी और दो प्लेयर्स को डाउन किया। ऑलरेडी कॉन्सेप्ट यहाँ पर डाउन रहने वाले थे, तो उनका पुश को जो सा है बहुत तगड़े तरीके से रोका और एक अच्छा नेट था ज़ेरॉक्स की तरफ से। 1v1 का फाइट रहेगा, 1v2 ओवरऑल रहेगा, 50 HP तक है और 9-1 की तरफ से फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा टीम R2H, जो कि पहले प्लेयर को उन्होंने फिनिश ऑफ किया। 3v4 की फाइट रहने वाली थी, लेकिन M7 ने बहुत खूबसूरत तरीके से इस फाइट को विन किया है। R2H की टीम इस मैच से एलिमिनेट हो चुकी है। आई गेस सेकंड स्क्वाड है जो कि इस मैच से एलिमिनेट हो चुका है। पहला मैच रहने वाला था, पहला जो स्क्वाड है वो मिप्सर प्लेस का है, ये सेकंड स्क्वाड है R2H का जो कि अर्ली ऑन फिनिश ऑफ होने वाला है। और यहाँ पर ब्रिज की अगर बात करें दो टीम्स रहने वाली हैं, जो है मुजरिम प्लेस का लाइनअप ब्रिज ब्लॉक करके बैठा है, लेकिन VS यहाँ पर इंतजार कर रही है कि किसी तरीके से जोन का इंतजार किया जाए, किसी तरीके से जोन जो उनकी फेवर पे आए। तो सभी टीम्स की एक कोशिश होती है कि किसी तरीके से उनको फेवर मिले, तो हम उस तरह ही अकॉर्डिंगली प्ले करें। और शायद उनको इस चीज़ का आइडिया भी रहने वाला है कि ब्रिज ब्लॉक हो सकता है, उनका डाउट है और इसी चीज़ का इंतजार भी किया जा रहा है कि जितना लेट किया जाए शायद ब्रिज ब्लॉक छोड़ के टीम आगे की तरफ मूव ऑन कर जाए तो हम लेट एंट्री लें। सो देखते ये है कि मुजरिम प्लेस का लाइनअप यहाँ पे एक कदम जमाए बैठता है या फिर इंतजार किया जाता है VS के आने का और किल्स लेने का। तो एक अच्छी अप्रोच है टीम PS की जानिब से भी, क्योंकि किल पॉइंट्स यहाँ पे बहुत मैटर करेंगे, क्योंकि अगर आप फर्स्ट पोजीशन भी लेते हैं और अर्ली जो है आपके पास किल्स कम हैं, और दूसरी तरफ अगर एक टीम बहुत जल्दी मर जाती है और उनके किल्स बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि अगर 10 किल्स भी हैं कुल मिला के ओवरऑल टीम के, तो उनके पास 20 पॉइंट्स तो सीधे सीधे आ जाएंगे, वो भले टॉप 10 में भी गिना है। तो इस चीज़ का टीम्स को आहिस्ता आहिस्ता से पता चलेगा, लेकिन जो सी हैं कुछ टीम्स ने इस चीज़ को असेस किया है, ऑब्जर्व किया है, तो उसके अकॉर्डिंगली गेम प्लान अब वो बना रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर टीम PS ने भी देखा, टीम VS को भी इस चीज़ का इलम हो चुका है, एंड बहुत सारी टीम्स को आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ का आइडिया होता जा रहा है कि हमने अपना गेम प्लान कैसे अप्लाई करना है। बाजूका FB का यहाँ पर लाइनअप रहेगा जो कि कदम जमाए बैठे है, और 22 सेकंड्स के बाद एक नया सर्कल देखने को मिलेगा। स्टेज 3 यहां पर आने वाला है उभर के हमारे सामने, और देखना ये है कि किस जानिब जाता है। इस वक्त तक के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो दोनों तरफ सर्कल रहने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड रह चुके हैं। 10 सेकंड के बाद जो सा है अगर तो जोन ऊपर की जानिब जाता है तो टीम्स अर्ली ऑन मूव करेंगी ऊपर जाने की तरफ, लेकिन अगर यहाँ पर दो बोर्ड्स की बात करें, दो बोर्ड्स में रोटेशन की गई थी, नोस गेमिंग और टीम PS की तरफ से, और जोन आ चुका है राइट साइड पर टीम N1 के। गोकू को भी जोन में जाना होगा, B4B को जोन में जाना होगा, और इसी के साथ नोस गेमिंग को भी जोन में जाना होगा, RG के लाइनअप को ब्रिज क्रॉस करके जाना होगा, बादाम वाला, एंड ऑलरेडी आप देख भी रहे होंगे कि नेलपुरी भी। कुछ टीम ऐसी हैं कि जो सा है सर्कल की जाने पोजीशन की जाने बहुत ज़्यादा फोकस रहती हैं, वहाँ पर जो सा उनकी तरफ से होती है कोशिश के बिल्कुल मिड टू मिड और सर्कल के अकॉर्डिंगली प्ले किया जाए। तो कुछ टीम्स ऐसी हैं, अभी आपको देख भी रहा होगा कि जैसे ही सर्कल लगा है सभी टीम्स की तरफ से एक अच्छी पोजीशन लेने की जाने अब ध्यान है, बट यहाँ पर अब देखना यह है कि अगर स्प्लिट में प्ले किया जा रहा है टीम मुजरिम प्लेस की जानिब से, तो अगर डुओ डुओ के स्प्लिट में खेलते हैं तो कुछ देर में यहाँ पे क्लस्टर सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा, बहुत सारी टीम्स इनके करीब आ जाएंगी, तो क्या डू बाय टू के स्प्लिट के साथ ये डिफेंड कर पाएंगी, क्योंकि एट ए टाइम दो तीन टीम से आपको डील करना पड़ता है, डिफरेंट एंगल से आपको स्प्रे आते हैं तो आपको डील करना पड़ता है। तो यहाँ पर दो प्लेयर्स मुजरिम एंड डेंजर जॉर्ड ब्रिज कैंप करके बैठे हैं, जो कि इनको 2v4 के सिचुएशन के साथ इनको डील करना होगा, डिफेंड करना होगा, इनको ब्लॉक एक्चुअली करना होगा टीम VS को। अब देखना यह है कि कितना सक्सेसफुली वो करते हैं, लेकिन NK की तरह से यहाँ पे PS स्मोकर को कर दिया गया है नॉकआउट बाय AKM, और सायरन की तरफ से नॉकआउट, सायरन भी यहाँ पे हो जाएंगी नॉकआउट। दो प्लेयर्स जो से हैं डाउन रहने वाले हैं PS के, और यूजर को यहाँ पे डाउन किया गया है टीम PS की तरफ से, पुश किया जा रहा है, किल कंफर्मेशन की जा रही है डॉक्टर की तरफ से, किंग को यहाँ पे काफी ज्यादा लो कर दिया डॉक्टर, पीछे से NK का स्क्वाड कवर के लिए आते हुए यहाँ पर डिफेंड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे टीम NK आ जाती है तो टीम PS बहुत मुश्किल में रहेगी। ऑल राइट टीम PS डैमेज किया, बहुत ज्यादा पड़ गया
टू किया गया है यहाँ पर, रिमूव की जाने से टीम को भी कर दिया है डाउन, और यहाँ पर डॉक्टर रह गया अकेले, बहुत प्यारा डिफेंड किया जा रहा है, अकेले बचे है रिमूव, 1v1 का फाइट रहेगा, नेट किया जा रहा है, दोनों ही प्लेयर्स डाउन, देखना यह है कि यहाँ पर कौन सी फाइट विन करने जा रही है, दो टीम्स के दरमियान यहाँ पर मुकाबला जा रही है, दोनों ही के लिए सेम सिचुएशन रहेगी, रिवाइव किया जा रहा है और स्मोक्स चले जाएंगे, और जो गेमिंग यहाँ पर जरूर इन्फो दे रहे होंगे करने का प्रोसेस जारी है, कोशिश की जा रही है रिवाइव उठाया जाए, किल कंफर्मेशन नेड किया जा रहा है और यहां पर उठाना बाकी है, दो प्लेयर्स रहने वाले हैं टीम एनके के, और एक प्यारा नेड किया गया है डॉक्टर की तरफ से, अगेन दो प्लेयर्स को डाउन कर दिया, स्मोकर बचे हैं अकेले, अगेन टीम पीएस दोबारा से मुश्किल में नजर आ रही है, और टीम एनके जो सी फ्लैंक एंगल पर जाते हुए बहुत प्यारा प्ले किया है, और यहाँ पर ओपन में हो चुकी है, लेकिन इसी के साथ टीम पीएस हो जाएगी वाइप आउट, बहुत ही शानदार फाइट देखने को मिली है दोनों ही टीम्स की जानिब से, लेकिन ज़मूज़ ने यहाँ पर अपने हिस्से का काम किया, देन यहाँ पर टीम एनके रिवाइव, टीम एनके के यूजर ने रिवाइव दिया डॉक्टर को, और वहीं से पासा पलटा, एक नेड ने, एक नेड जो सा है आया, दो प्लेयर्स को किया डाउन, ज़मूज़ हो गए थे डाउन, और उसी के साथ 1HP किंग जो सा है, आई मीन पीएस किंग ऑन वीड वो हो गए थे नॉकआउट, वहां पर इनके लिए बहुत मुश्किल है। दूसरी जाए विंडोज गेमिंग के स्क्वाड को फिनिश ऑफ कर दिया गया है बाजुका की तरफ से, 3 kills इनके पास भी आ चुके हैं, सो ओवरऑल अभी बात की जाए तो 4 teams इस मैच से हो चुकी हैं एलिमिनेट। टीम वीएस के पास एक शानदार जगह रहने वाली है, टीम वीएस अभी मुझे दिख रहा था कि ब्रिज के उस पार थी, लेकिन अचानक से एक इनके पास बड़ी प्यारी पोजीशन देखने को मिल रही है, शायद इमरजेंसी पिकअप का इस्तेमाल किया गया है, गाड़ियां इनके पास नहीं है, एमरजेंसी पिकअप के इस्तेमाल के साथ ये एक बहुत प्यारी पोजीशन लेने में कामयाब रही है, एमरजेंसी पिकअप का एक और इस्तेमाल किया जा रहा है, और यहाँ पर ऑलराइट आरजी का टीम पूरा कर चुका है, 1v2 किया गया जी, दो स्क्वाड्स की तरफ से 1v2 दिख रहा है, पहला स्क्वाड जो था 1v2 दिख रहा था ज़मूज़ की तरफ से दिखा था, लेकिन दिस टाइम शमो की तरफ से किया गया है, और इसी के साथ वीएस बहुत मुश्किल में रहेगी, मुन्ना यहां पे नॉकआउट है, यहां पर काफी ज्यादा लो है, मुन्ना को यहां पे मोलोटोव के साथ फिनिश ऑफ भी कर दिया जाएगा, फ्लैश यहां पे काफी ज्यादा लो रहने वाले हैं, और यहां पर अब आखिरी प्लेयर बचे हैं फ्लैश, साथ फिनिश ऑफ कर दिया गया, बहुत प्यारी फाइट देखने को मिली है, ये फाइट्स हम एक्सपेक्ट करते हैं जो हमें देखने को मिली पहली पीएस वर्सेस एनके के बीच, और यहाँ पर पी आरजी वर्सेस एनके जो सा है वीएस के दरमियान देखने को मिली, तो ये बहुत शानदार फाइट थी, नीलपुरी का यहाँ पे स्क्वाड रहेगा और रियान के एक डिफरेंट तरीके से प्ले कर रहे हैं, वरना इतना डिफरेंट प्ले किया नहीं जाता है, हमें यूजली ऐसा स्टाइल देखने को नहीं मिलता, लेकिन चारों प्लेयर्स ऑलमोस्ट डिफरेंट ही स्टाइल से प्ले कर रहे हैं, जुनेद एक डिफरेंट एंगल पर हैं नीलपुरी के ओनिक्स रहेंगे, और रियान जो सा है एक डिफरेंट एंगल पे, किसी को कानों कान खबर नहीं रहेगी कि एक प्लेयर यहाँ पर भी कदम जमाए बैठा है। टीम पीएस की तरफ से बैक एंड से ऊपर की तरफ जाते हुए, जोन की मैं बात करूँ तो जोन इस तरफ आ चुका है, ना राइट का ना लेफ्ट का, जोन फेवर किया है इस वक्त एनके को और बाजुका के लाइनअप को, और B4B बिल्कुल मिड में है, और बहुत जो सा इस वक्त रिलैक्स रहेगी अपनी पोजीशन को लेकर, डिफेंड करना होगा, नीलपुरी का स्क्वाड भी इस वक्त जोन में रहने वाला है, लेकिन टीम आरजी को भी जोन में जाना होगा, एमरजेंसी पिकअप का इस्तेमाल किया गया था, एमरजेंसी पिकअप के साथ एक जगह ली गई थी, बट उसके बाद अब जोन जो सा है उन्होंने अच्छे तरीके से डिफेंड किया, और अब जोन में भी मूवमेंट करना होगा। मुजरिम प्लेयर्स के यहाँ पर चारों प्लेयर्स अलाइव रहने वाले हैं और रोटेशंस में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं, एक एच पर प्ले किया जा रहा है बाजुका के स्क्वाड की जानब से, N1 के यहाँ पे सोलो मैन स्टैंडिंग है, N1 को उनको भी जोन में जाना है, स्टेज 4 है, कुछ ही देर में स्टेज 5 की जानब जोन चलता हुआ जाएगा, स्टेज सर्कल जो सा है शुरू हो चुका है, और NP की अगर बात करें नीलपुरी जो कि यहाँ पर देखते हैं कितनी देर तक जोन में रहने में कामयाब रहती है, RG को भी जोन में मूव इन करना है, NK के यहाँ पे 2 men स्टैंडिंग रहने वाले हैं, 5 kills डॉक्टर जी के पास रहने वाले हैं, जोई के पास 1 kill रहेगा, जो यहाँ पे फाइट थी टीम पीएस और डॉक्टर एनके की तरफ से, वहां पे डॉक्टर ने बहुत प्यारा डिफेंड किया, लेकिन
उसके बाद जैसे ही कवर के लिए आए, मोज ने वहां पर 1v2 करके शानदार गेम प्ले दिखाया और अपनी टीम को थोड़ी देर के लिए ऐसा लग रहा था कि टीम एन के वाइप होने वाली है और टीम पीएस ये फाइट को विन कर देगी, लेकिन जैसे ही यूजर ने रिवाइव दिया डॉक्टर को और एक बहुत ही प्यारा नेड किया गया जिसकी रिएक्शन में किंग ऑन वीड और जो साइज मूव हो गए नॉकआउट, वो काम कर गया टीम एन के लिए। श्वेब जोन में जाने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं, 300 मीटर दूर है इनसे, और जोन अगर देखा जाए तो अगेन B4B की जानिब चला गया है। कोई भी टीम जोन में नहीं रहने वाली है, B4B बहुत प्यारी पोजीशन पर अभी रहेगी। जोन का फेवर किया रियान की तरफ से, शेरी को कर दिया गया है टेक डाउन और किल कंफर्मेशन भी की जा सकती है। अभी मैं ये बात कर रहा था कि जो इनके पास पोजीशन है वो ऐसी पोजीशन है कि यहाँ पर यूजुअली हमें दिखने को मिलता नहीं है कि प्लेयर्स इस तरफ जाते हैं, बट ये चीज जो ये अप्रोच है सिर्फ मोबाइल प्लेयर्स की तरफ से ही देखी जाती है, मोबाइल स्क्वाड्स की तरफ से देखी जाती है। शमो यहाँ पर काफी ज्यादा लो रहने वाले हैं और उनको स्पॉट आउट भी कर लिया गया है बाय टीम नीलपुरी, और डाउन साइड पर रियान है, और अगर थोड़ा सा भी आगे जाते हैं तो नीलपुरी का स्क्वाड इनको जरूर डैमेज करता है। अगेन यहाँ पर ऑनिक्स की तरफ से बहुत प्यारा स्प्रे किया गया है, लेवल 3 का जो है वेस्ट बहुत ज्यादा डैमेज है, बिल्कुल रेड हो चुका है। और ऑन दी अदर एंड एनके की तरफ से शेरी को भी कर दिया गया है फिनिश ऑफ। श्वेब बचे हैं इस जानेब, राइट साइड पर बचे हैं शमो का भी निकलना भी इस वक्त मुहाल हुआ हुआ है। श्वेब भी नहीं निकल पा रहे हैं, डॉक्टर जी रहने वाले हैं और जोन की तरफ निकल चुके हैं एनके का स्क्वाड। निचली जानेब फॉर्मल स्टैंडिंग कंप्लीट है, एक किल रहने वाला है रियान के पास, और अगर जोन की तरफ बात करें तो सिर्फ दो टीम्स एक्चुअली तीन टीम्स रहने वाली हैं जो कि M7 के दो प्लेयर्स अलाइव रहने वाले हैं। थ्री मैन स्टैंडिंग B4B रहेगी, बिल्कुल लेफ्ट पे बादाम वाला जो कि सोलो है आई गेस If I'm not wrong, दो प्लेयर्स इनके, एक प्लेयर इनका डाउन रहने वाला है। किल कंफर्म करने की कोशिश की जा रही है बाय M791, बादाम वाला यहाँ पे फिनिश कर दिए गए हैं, किल कंफर्म कर लिया जाएगा, और इनके दो प्लेयर्स बिल्कुल उसी जगह पर हैं जैसे जगह पर B4B कदम जमाए बैठी है। एक टनल नुमा जगह है यहाँ पर और इधर होल्ड किया जाएगा। N1 गोकू की तरफ से आउट ऑफ नोवेयर एक अच्छी जगह लेने की जाने जैसा है किया जा रहा है, शामों को भी कर दिया जाएगा फिनिश ऑफ। और अगर ये यहाँ पर बैठ जाते हैं तो आई एम श्योर एक अच्छी पोजीशन दिलवाने में कामयाब रहेंगे। NK की तरफ से जोन में एंट्री लेने की कोशिश, डासिया यहाँ पर काफ़ी जैसा है बाजियाँ खा रही है और जोन का एज शायद इनको मिल जाएगा, और कोशिश की जा रही है कि कोई अच्छी जगह पर प्ले किया जाए। ऑलराइट जोन नहीं है यहाँ भी, आरजी शुएब यहाँ पर रहने वाले हैं। ये अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे जो शुएब के साथ यहाँ पर हुआ, अनलकी रहे। दो टीम एक दूसरे के मध्य मुकाबले बजुका का लाइनअप रहेगा, 3v4 की फाइट, डेंजर को डेंजर ने यहाँ पे किया, डिनएक्स को किल कंफर्म कर लिया गया है लेफ्ट साइड पर, नीलपुरी का स्क्वाड भी रहने वाला है और बजुका यहाँ पर अकेले हैं, जोन में जाना है, 2v4 की सिचुएशन है यहाँ पर। जोन अगेन B4B को फेवर कर चुका है, नीलपुरी को यहाँ पर डेंजर जॉइन की तरफ से किया गया है नॉकआउट। M791 की तरफ से ओजोन BD को भी कर दिया जाएगा नॉक एंड फिनिश, लास्ट में बचे थे। यूजर की तरफ से एक प्यारा नेट किया गया है और एक और स्क्वाड इसमें ऐसे आउट हो चुका है। अब बात आ चुकी है जोन लेने की, जिस टीम ने जोन ले लिया वो वहां पर जो सा है कदम जमाए बैठेगी और बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पर अजोन की तरफ से बाजूका को किया बाय नेट, लेकिन ऑनिक्स ने यहाँ पे कवर फायर दिया और एक नॉक किया, किल चुरा लिया गया आई थिंक, या किल चुरा लिया गया नीलपुरी के स्क्वाड की तरफ से। लेकिन बैक साइड से अगर बात करें 9-1 की तरफ से स्प्रे किए जा रहे हैं नीलपुरी के स्क्वाड, की तरफ से यहाँ पर नीलपुरी को नॉक किया गया है और नेड किया ऑनिक्स ने, बहुत प्यारी नेडिंग की जा रही है, बहुत प्यारे ग्रेनेडियर ऊपर के सामने आ रहे हैं, पहले उन्होंने नेड किया वहां भी नॉकआउट किया, अगेन यहाँ पे नेड करके डेंजर जोड़ को यहाँ पे नॉक किया है जो सा है, और नीलपुरी को फिनिश ऑफ कर दिया है मुजरिम ने एक और नेड, क्या ये नेड हो सकता है, एक और नॉक नहीं, डॉज कर लिया गया है डेंजर जॉर्ड की तरफ से इस नेड को, और थ्री मैन बचे हैं पीएस के, थ्री मैन बचे हैं नीलपुरी के, और बाजुका की तरफ से जोन में जाने की कोशिश, चौके को यहां पे कर दिया नॉक, और इसी के साथ टीम बाजुका भी हो जाएगी वाइप आउट।
आउट ऑफ द जोन एंड के डॉक्टर जी जोन में जाना है, जोन का डैमेज बहुत अच्छा खासा पड़ने वाला है। अब देखना यह है कि जोन में एंट्रीज टीम्स कैसे कैसे लेती हैं। नीलपुरी के स्क्वाड के पास एक एज आ चुका है सक्सेसफुली और इनके बिल्कुल करीब रहने वाला है। बीफर बी का लाइनअप एनके डॉक्टर जी जो के नॉकआउट कर दिए गए हैं और बीफर बी मलिक की तरफ से डॉक्टर जी को भी कर दिया जाएगा नॉकआउट। चोको की तरफ से हील की जा रही है लेकिन नहीं, अब लीड आउट हो जाएंगे आउट ऑफ द जोन, फिनिश आउट हो जाएंगे। टू प्लेस बचे हैं मुस्लिम प्लेस के, तीन प्लेस बचे हैं नीलपुरी के, एक प्लेट डाउन रहने वाला है बीफर बी के। यहाँ पे थ्री मैन स्टैंडिंग, और अगर बात करें किस्मत की बीफर बी की तो वो बहुत अच्छी जा रही है इस वक्त, किस्मत उनके साथ है, लक उनको बहुत ज्यादा फेवर कर रही है। डेंजर जॉट ने यहाँ पे दो प्लेयर्स को डाउन किया है, अकेले बचे हैं और यहाँ पर क्या वो कंप्लीट फिनिश कर पाएंगे। मॉलोटोव की थी, अच्छी मॉलोटोव थी और यहाँ पर ओनिक्स को इस्तेमाल, और ओनिक्स ने कर दिया यहाँ पर फिनिश ऑफ डेंजर जॉट को भी। दूसरी तरफ मुजरिम को किया एनके के स्क्वाड ने जो कि जोई गेमिंग का स्क्वाड था, और यहाँ पर यूजर प्लेयर्स को कर दिया है फिनिश ऑफ। अकेले बचे हैं सर बदाम के, फोर प्लेयर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। वन वी टू किया जा सकता है, वन वी टू किया गया है भाई साहब, इसी के साथ फिनिश अप कर दिया गया। अनस को यहाँ पर कवर फायर दिया, यहाँ पर मुझे बहुत डिफरेंट गेम स्टाइल ये जो मैं चाह रहा था वो देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1v2 किया जा रहा है डिफरेंट टीम्स की जानिब से, और दोनों ही टीम्स नहीं समझ पा रही हैं फिल वक्त गेम स्टाइल दोनों का, क्योंकि मोबाइल का गेम स्टाइल डिफरेंट रहता है और एमुलेटर वालों का डिफरेंट रहता है। और इसी के साथ एक और प्लेयर भी हो जाएगा फिनिश, दो टीम्स के दरमियान मुकाबला 2v3 की फाइट। नीलपुरी अगेन यहाँ पर बहुत शानदार गेम प्ले के साथ सेकंड पोजीशन पर रहेगी, और दोनों टीम्स एक्चुअली इस वक्त सेकंड पोजीशन पर है। आई डोंट नो कौन सी टीम लेकर जाने वाली है इस चिकन को पहले मैच को अपने खाते में। नीलपुरी की अगर बात करें तो उन्होंने बहुत और शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है इंटरनेशनल ग्रुप में भी, और अगेन इस दफा भी वो जिस तरह प्ले कर रहे हैं, किल्स की बात करें तो 5 किल्स इनके पास हैं, और जिस तरह उन्होंने डिफेंड किया है इतनी सारी टीम्स के बीच से आकर डिफेंड करना, फाइट करना, किल्स निकालना और अपने प्लेयर्स को भी बचाना और देन सेकंड पोजीशन तक आना, ये बिल्कुल भी आसान नहीं रहता है किसी भी प्लेयर की तरफ से। बीफोर बी के पास जोन नहीं है तो जोन एंट्री लेनी है, साइबर के पास ऑलराइट दोनों ही प्लेयर्स की तरफ से जोन एंट्री ले ली गई है। 2v3 की सिचुएशन रहेगी, हील अप करना कंप्लीट उनके पास बाकी है, और बीफोर बी जाना उसकी तरफ से शानदार ने रियान को कर दिया है नॉकआउट, और ये टाइम है, ये वक्त है बीफोर बी के पास। देखना ये है कि कैसे ओनिक्स बिल्कुल रेडी थे, बिल्कुल तैयार थे, उनको इस चीज का पता था कि पुश आ सकता है, एक प्लेयर डाउन है, ओनिक्स उसके लिए बिल्कुल तैयार थे और पुश किया गया साइबर की तरफ से, नॉकआउट कर दिया गया था। अब यहाँ पे लेफ्ट राइट घेरा तंग कर दिया गया है, क्या पॉसिबल नहीं रहेगा, एक नॉक जो कि साइबर का निकला वहां पर ही काम तमाम हो सकता था और वहां पर काम तमाम हो गया, क्योंकि 2v3 की सिचुएशन थी, सिनेरियो कुछ ऐसा था कि अगर b4b का एक प्लेयर भी डाउन होता है तो मैन पावर कम होने की वजह से नीलपुरी को एडवांटेज चले जाएगा। नीलपुरी का स्क्वाड का एक प्लेयर डाउन हुआ लेकिन दो प्लेयर्स अभी भी अलाइव थे, तो उनके लिए इतनी एडवांटेज था इस चीज का कि वो फाइट ले सकते हैं स्टिल। सो नीलपुरी के स्क्वाड ने यहां पर फाइट ली, रोटेशंस की, स्क्वाड को डिफेंड किया, टीम्स को वाइप किया और लास्ट में आके उन्होंने चिकन भी लिया। सो जी उन्होंने बहुत आउटक्लास गेम प्ले किया है, मतलब हर तरह से उन्होंने रियान की अगर मैं बात करूं वो हिल पर रुकना और एक नजर आ रहा है कि प्रॉपर जो सा है गेम सेंस के साथ, और उनको पता है कि हमने किस तरह प्ले करना है। अगर वहां पर देखा जाए पहला नॉक निकाला नेड के साथ अनस का, और ओनिक्स वहां पर बिल्कुल रेडी थे, उनको इस चीज का पता था कि वो पुश करेंगे, तो ओनिक्स ने जो वहां पर डिफेंड किया पुश वहां पर रोका बीफोर बी का, वही सब कुछ था। साइबर को नॉक किया वहां पर, इनका चिल सीन था और चिकन भी ये ले उड़े। टॉप थ्री टीम्स यहां पर उभर के जो सामने आई हैं वो है नीलपुरी 7 किल्स के साथ, 14 टीम्स इनके पास रहेंगी। सो इन्होंने शानदार प्ले गेम प्ले दिखाया है, और एक जो सा है एक्साइटिंग गेम प्ले, इस तरह इंटरेस्टिंग भी इसलिए है कि दो तरह के गेम स्टाइल और गेम माइंड सेट है, एक है मोबाइल वाला और एक है एमुलेटर वाला, गेम स्टाइल दोनों का ही बिल्कुल ऑपोजिट है, तो दोनों को ही यहाँ पर समझ नहीं आएगी कि क्या चल रहा है, तो ये ही गेम की खूबसूरती रहेगी।
बीफरबी ने बहुत शानदार ट्राई की, जॉन इनके ऊपर आता रहा, इनको बहुत उन्होंने जो सा फेवर किया जॉन ने, और उसका उन्होंने फायदा भी प्रॉपर उठाया, डिफेंड किया सर के, जब सर का स्लैम आया उस पर जो सा इनको वाइप आउट किया, और सर ने वहां पर 1v2 किया लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाए क्योंकि बैकअप आ गया था बीफरबी का, वहां पर वो स्क्वाड वाइप हो गया था, फोर्थ पोजीशन लेने में कामयाब हुआ। थर्ड पर जोई गेमिंग का स्क्वाड जो कि 8 किल डॉक्टर जी के पास है, फाइट्स इन्होंने ली तो कहां से शुरू हुए, इन्होंने थर्ड पोजीशन ली तो किल्स ओवरऑल इनके पास भी बहुत शानदार रहने वाले हैं, 11 किल्स इनके पास है, थर्ड पोजीशन के लेने में कामयाब रही हैं। तो उन्होंने बहुत प्यारी ट्राई की है बी4बी एंड एनके ने, और एंड नीलपुरी ने तो आउट क्लास परफॉर्मेंस हमें दिखाई है। ये था पहला मैच, सेकंड मैच की जानिब जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, आपको मिलते हैं मेरा मार में।
अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। थोड़ा सा इशू हुआ था, टेक्निकल प्रॉब्लम थी इस मैच की, मैं कंटिन्यू नहीं कर सका। कोई प्रॉब्लम रही है बहुत सीरियस किस्म की, तो उस वजह से मैच थोड़ा सा मिस करना पड़ा। आई एम रियली रियली सॉरी फॉर डैट। मैं दिल से माजरत खा हूँ। मैं आपको बता नहीं सकता, बट बस ये कह सकता हूँ कि आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। 12 टीम्स अलाइव रहने वाली हैं, और अभी तक अगर हम टीम्स की बात करें तो जोई गेमिंग का लाइनअप आउट है, T4 मिप्सर का स्क्वाड आउट है, और नुस गेमिंग का स्क्वाड आउट हो चुका है, ओजोन का आउट हो चुका है, और उसके बाद बाजूका का स्क्वाड बाहर हो चुका है इस मैप से। B4B के दो प्लेयर्स रहने वाले हैं, SR के दो प्लेयर्स रहने वाले हैं, PS7 इस मैच से डेड हो चुकी हैं, और RTH के तीन प्लेयर्स डेड रहने वाले हैं, और दो प्लेयर्स जो सा है RD के यहाँ पर रहने वाले हैं। सो ओवरऑल अगर हम सिचुएशन दिखाते चलें, PS मुजरिम की तरफ से VS अली को कर दिया गया है नॉकआउट, और डेंजर जॉर्ड के पास तीन किल्स रहने वाले हैं। VS अली के ऊपर शायद यहाँ पर स्लैम किया जाए बैक साइड पर। M7 वर्सेस B4B था, B4B को कर दिया गया है एलिमिनेट इस राउंड से। ये वही आई गेस इसी तरह का कुछ वेयर हाउस था लास्ट डे, कल के दिन जो कि याद आ रहा है, जिसपे स्लैमिंग हुई थी। वेल ओवरऑल अगर हम आपको दिखाते चले जोन की, तो जोन कुछ ऐसा है, और टीम्स की अगर बात करें बिल्कुल मिड में डिक्टेटर गेमिंग का स्क्वाड रहने वाला है, और NXG किंग की तरफ से किल कंफर्म कर लिया गया, चुरा लिया गया है, जो कि नॉक किया गया था PS के लाइनअप की तरफ से। NXG का स्क्वाड यहाँ पर रहने वाला है। अभी तक अगर हम बात करें नीलपुरी के स्क्वाड की, नीलपुरी का स्क्वाड पहले मैच में टॉप पर हमें निकोबर के सामने आया है, और इस दफा जो है अभी तक 4 मैन स्टैंडिंग का लाइव रहने वाला है। बट डू यू से गाइस, कौन लेके जाने वाला है, और क्या स्टिल आप लोगों का फेवरेट रहने वाला है नीलपुरी का स्क्वाड, क्योंकि अभी तक 4 मैन स्टैंडिंग है और मिड में रहने वाला है, और पहले मैच के विनर्स भी ये रहने वाले हैं, तो इनके बिल्कुल करीब RG भी है 4 मैन स्टैंडिंग के साथ, जो कि शुएब, शहरी, नगाटो एंड शामो रहने वाले हैं। जोन का इंतजार किया जा रहा है। स्टेज 3 है, हमने दो स्टेजेस मिस कर दिए हैं गलती से, थोड़ा सा हम नहीं कर पा रहे थे, और अभी स्टेज 3 है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अपर साइड पर जो सा है, चारों मैन डिफरेंट प्ले कर रहे हैं, और मुझे काफ़ी मतलब वेल मेंटेन्ड और जो सा है प्रॉपर मैनेज्ड टीम नज़र आ रही है, जो ई स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो सी है मुकम्मल टीम, जिनको वेल प्रिपेयर्ड जो सी टीम रहती है, मुझे वो उस तरह की इस टीम से वाइब आ रही है। क्योंकि अगर 4 मैन स्टैंडिंग है और प्रॉपर कंपेरेटिव सिनेरियो के अकॉर्डिंग खेल रहे हैं, बिल्कुल भी उस तरह नहीं इनके लिए पैनिक मोड क्रिएट होता है। लास्ट मैच में भी हमने देखा है कि 4 मैन स्टैंडिंग अगर थे तो इनको पता है एग्जैक्ट के किस जगह पर कैसे प्ले करना है, और इस हिल को भी अगर देखा जाए इंक्लूडिंग नीलपुरी, उन्होंने 4 मैन स्टैंडिंग के साथ उन्होंने होल्ड किया हुआ है। नीलपुरी डाउन साइड पर कंपाउंड में रहने वाली हैं, ऑनिक्स रहने वाले हैं, रियान रहने वाले हैं, और जुनेद रहने वाले हैं। PS चोको की तरफ से पहले ऑक्सो कर दिया गया है टेक डाउन, और रियान यहां पर थोड़ा सा डैमेज डील करेंगे, 50 HP तक डाउन कर दिया गया है। एक्चुअली 51 का डैमेज पड़ता है हेलमेट पर, अगर एक भी शॉट लग जाए M4 का, तो यहां पर
इफ आई एम नॉट रॉन्ग एसआर की तरफ से हेडशॉट कनेक्ट हुआ है रियान को, पोजीशन चेंज की है, स्टेज फोर आ चुका है। यहाँ पर जोन की अगर बात करें तो 32 प्लेयर्स 11 टीम्स रहने वाली हैं, M7 के क्लेट डाउन रहने वाले हैं, चोको यहाँ पर 4 मिनट स्टैंडिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट्स सी, H4 मिनट स्टैंडिंग साइफर रहेंगे, डेंजर जॉर्ड रहेंगे, चोको रहेंगे और मुजरिम रहेंगे। M7 की बात करें, M7 के पास काफी अच्छे खासे 6 किल पॉइंट्स जो है दो प्लेयर्स के पास हैं, किल्स एक्चुअली नॉट किल पॉइंट्स, लेट मी करेक्ट माय सेल्फ, यहां पर दो किल्स रहने वाले आरम और पास के पास। आरजी शमो की तरफ से N1 को कुकू कर दिया गया है, नॉकआउट जोन में जाना है, 22 सेकंड्स के बाद जोन स्टार्ट होने वाला है और स्टेज 5 तक ये बात जा रही है। N1 के सारे प्लेयर्स हो चुके हैं इस मैच से आउट, नीलपुरी की तरफ से N1 को कर दिया गया है, आखिरी प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया गया है और नीलपुरी के पास एक किल भी आ चुका है इसी के साथ। जोन का बिल्कुल एक एज है, अगर आप डिफरेंस देखें एमुलेटर मोबाइल का, मोबाइल में ये है कि एज इस पर प्ले किया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड जगह पर, जहां पर एमुलेटर सिनेरियो में लगता है कि यहां पर होल्ड करना इजी नहीं है, वहां पर जो सा है ये इस तरह की मोबाइल टीम्स होल्ड करती हुई नजर आती हैं एज इस पर। जोन के मिड पर कोई भी नहीं जाता है, बिल्कुल एज इस पर प्ले करती है जैसे कि यहां पर आपको नजर आ रहा है। और अगर हम बात करें एमुलेटर की तो वो कोशिश करती हैं कि मिड टू मिड जाए और कंपाउंड्स को होल्ड किया जाए या फिर अच्छी चीज को पकड़ा जाए। आरजी के पास यहां परफॉर्मेंस स्टैंडिंग आ चुकी है, दोनों के पास दो किल्स रहने वाले हैं, 4 किल पॉइंट्स इनके पास रहेंगे और जोन के जोन में स्टिल इनको जाना बाकी है। और ऑन द अदर एंड अगर हम यहां बात करें टीम पीएस की, जो कि एक प्लेयर को गवा चुके हैं, डिक्टेटर गेमिंग रहेंगे, पीएस मोकर रहेंगे, पीएस किंग ऑन भीड़ रहेंगे, साइरन यहां पर बैठे हो चुकी हैं, डेंजर को अच्छा खासा डैमेज दिया गया है, बिल्कुल 5 HP तक छोड़ दिया। वेस वेपर की तरफ से आरजी शुएब को कर दिया जाएगा नॉकआउट और पीएस की जो टीम सेम रूट से आते हुए जहां पर टीम आरजी ही अपर साइड पर आरजी की तरफ से कवर फायर देने की कोशिश की गई, लेकिन यहां पर किंग ऑन वीड की तरफ से फ्लैश को भी कर दिया जाएगा फिनिश ऑफ। देखते ही देखते स्टेज 5 और 6 तक मामला अब जाते हुए नजर आ रहा है, शिफ्ट हो रहा है। और अगर तक अगर मैन पावर की बात करें तो नीलपुरी के स्क्वाड के पास प्रॉपर मैन पावर, बट व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, नीलपुरी के यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं जुनेद। और यहाँ पर भी मुझे दिखने को ये मिला है कि डिक्टेटर को नेड के साथ नॉक एंड फिनिश कर दिया गया है। इट्स 12 o'clock और यहाँ पर शायद एक प्लेयर की लाइट चली गई है। डेंजर जॉर्ड को यहाँ पर 3 किल्स मिलने वाले हैं, चोको को यहाँ पर 2 किल्स मिलने वाले हैं और हेडशॉट के साथ नॉकआउट कर दिया गया है। M7 लाहौर वाईटी की तरफ से एक प्यारा सा हेडशॉट दिया है और पीछे से किल चुरा लिया जाएगा, रेड स्मोकर की तरफ से किल स्टील कर लिया गया है और जोन में जाना बाकी है, चोपो इनके मुंह पर रहने वाले हैं। M7 का स्लैम देखने को मिला है पीएस की टीम के ऊपर और पीएस को यहां पर 2v4 के साथ यहां पर डिफेंड करना बाकी रहेगा। बैक साइड से जैसा है एनएक्सजी की तरफ से थोड़ा सा डैमेज दिया जा रहा है, नेट किया गया है चोपो की तरफ से शानदार किस्म का, N1 के जो है M7 के 9-1 रहने वाले हैं, यहाँ पर रिवाइव देंगे और एक और नेड किया गया है। और एक अच्छा नेड अगर किया जाता है सेम पोजीशन पर तो N1 के M7 9-1 को यहाँ पर किया जा सकता है, ब्रेकिंग डाउन कर दिया जाएगा। नेड कर रहे थे, नेड करने की कोशिश थी लेकिन यहाँ पर कर दिया गया है नॉकआउट और पीएस स्मोकर भी यहाँ पर नॉकआउट रहने वाले हैं। किंग ऑन ब्रीड के पास एक किल रहने वाला है, अभी अकेले बचे हैं पीएस की जानिब से, किंग ऑन ब्रीड यहाँ पर 40 HP तक डाउन रहने वाले हैं और इसी के साथ टेक डाउन कर लिया गया है बाय टीम आरजी, नॉट आरजी, किल चुराया गया है बिल्कुल डिफरेंट एंगल से हीरो FTW की तरफ से, बैक साइड से टीम पीएस को यहां पे फिनिश ऑफ कर दिया गया है। और अगर यहां पर बात करें पीएस मुजरिम के लाइनअप की तो 16 बंदे बचे हैं अभी भी जो के डेंजर जॉर्ड रहेंगे। नेडिंग की जा रही है, जोन नहीं है इनके पास, जोन में जाना बाकी रहेगा, जोन का एक यहां पर हाउस रहने वाला है, 7 टीम्स अलाइव रहने वाली हैं, एनएक्सजी के यहां पर अभी तक जोन में रहने वाले हैं प्लेयर्स और एनएक्सजी के 4 मैन स्टिल अलाइव हैं, जोन में रहने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से, कैल्ट्रॉप रहने वाले हैं अकेले R2H की जानिब से जो कि
थ्री मैन डेड हैं उसके और एक ही प्लेयर्स अलाइव रहने वाले हैं। और यहाँ पर आरजी की अगर बात करें, आरजी के दो प्लेयर्स नॉकआउट रहने वाले हैं, दो दो किल्स इनके पास हैं, इस टीम के पास रिवाइव देना बाकी है, लेकिन नीलपुरी के ओनिक्स की तरफ से किल कंफर्म। यहाँ पर आता है रियल जो सा है मुकाबला, वो ये है कि जोन में जाना है क्योंकि एनएक्सजी बिल्कुल मिड में रहने वाली है, एनएक्सजी अलाउ नहीं करेगी जोन में जाने के लिए। नगाटो यहाँ पर रहेंगे, डेंजर जॉर्ड को यहाँ पर फिनिश नॉकआउट कर दिया गया है बाय M7 अरहम। और आखिरी बचे हैं प्लेयर टीम पीएस मुजरिम के और साइफर एक्सटी हैं वो। सोलो प्लेयर अभी तक सर्वाइवल निकाल रहे हैं, कोशिश की जा रही है इनकी तरफ से टीम को पोजीशन दिलवाने के लिए, और वो अच्छी पोजीशन दिलवा भी सकते हैं क्योंकि जोन का एज उनके पास है, कोई भी टीम इनके करीब नहीं रहने वाली है। सो इनको करना सिर्फ इतना है कि यहाँ पर थोड़ा सा कदम जमाए रखने हैं, इंतजार करना है, जोन की एंट्री भी शायद इनको मिल जाए क्योंकि इनके बिल्कुल एक पास टिप भी रहने वाली है, तो जोन में एंट्री लेना कोई इनके लिए मुश्किल नहीं होने वाली है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें M7 के परफॉर्मेंस रनिंग के साथ, वो भी अभी जोन में इनको आना है, बिल्कुल एक टीम जोन में रहने वाली है वो NXG की स्क्वाड, और RG को जोन में जाना होगा। M7 लाहौर की तरफ से NXG किंग को कर दिया जाएगा नॉकआउट, काफी दूर रहने वाले थे, उनको अलाउ नहीं किया गया। किल किल चुराया जा रहा है कल्पा की जानिब से और रियान की तरफ से। व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? टीम नीलपुरी इस मैच से आउट हो चुकी है। आरजी शमो की तरफ से गाड़ी के ब्लास्ट के साथ फिनिश ऑफ कर दिया गया था। आरजी शमो जोन में एंट्री ले चुके हैं, यहाँ पर बैक साइड पर बादाम वाला के बचे हैं जोन। जोन का यहाँ पर थोड़ा सा कुछ ऐसा जो सा शिफ्ट था वो बहुत गलत रहने वाला था, लेकिन यहाँ पे पोजीशंस की बात करें तो थर्ड पोजीशन ले चुके हैं पीएस मुजरिम के। साइफर अपनी टीम को दिलवाने में कामयाब रहे, कैल्ट्रॉप भी इस मैच से बाहर हो चुके हैं, आउट ऑफ द जोन बहुत सारी टीम्स हुई हैं, जोन ने बहुत गलत यहाँ पर और देखते ही देखते हैं मुकाबला ख़त्म, क्योंकि जोन यहाँ पर बहुत फेवर किया NXG को और बाकी टीम्स आउट ऑफ द जोन थी, बिल्कुल काटता ही गया उनको, काटता ही गया और बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। फर्स्ट पोजीशन NXG ने यहाँ पर ली है जो कि फोर्थ के फोर किल उन्होंने सिक्योर किए हैं, बहुत फ़ायदा उठाया, अच्छे से उन्होंने यूज़ किया जोन को अपने हक में। सेकंड पर RG रही, उन्होंने डिफेंड करते हुए किसी तरीके से सेकंड पोजीशन ली और किल्स भी अच्छे खासे उनके पास हैं। पांच किल्स जो से हैं शैमो के पास रहेंगे, शहरी के पास एक किल रहेगा, नगाटो के पास दो किल रहेंगे, थर्ड पर R2H रहेगी जो कि दो किल्स उनके पास भी हैं, तो कैल्ट्रॉप ने अगेन अपनी टीम को सक्सेसफुली पोजीशन दिलवाई है। और बाकी अगर बात करें टीम्स की तो सारी ही टीम्स, अगर M7 SR और नीलपुरी और PS की बात करें तो ये सारे ही स्क्वाड्स आउट ऑफ द जोन डेड हुए हैं। पांच किल लाहौर के पास, चार किल नौवन के पास, तीन किल डेंजर के पास, दो किल चोको के पास, तो इस तरह ओवरऑल इन्होंने किल्स निकाल कर अपने इस मैच को अहतमाम पजीर किया है। तो हेड्स ऑफ टू NXG, वेल प्लेड, बहुत उमदा गेम प्ले दिखाया है। और ये था सेकंड मैच, थर्ड मैच होने जा रहा है सैनहॉक FPP, फोर्थ होगा विकेंडी जो कि कुछ ही देर में हम जो सा है सैनहॉक के मैच में आपको मिलने वाले हैं। सैनहॉक FPP एक और ट्विस्ट आने वाला है, इंतज़ार कीजिए उसका।
हेलो। और भाई वो जो टीम नंबर 13 में बादाम गेम के स्लॉट पे बैठा था वो कौन था? अच्छा हाँ, और वो चौथा प्लेयर कौन था? हाँ ठीक, ये एपीपी है क्या ये वाला? ओके, और इसके बाद से ना वो टाइम 10 मिनट दे के मेंशन कर देना, टाइम मेंशन। और एक मैच है ना, लास्ट मैच कौन सा? ईरान के ना बीएनडी। ओके अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थर्ड मैच यहाँ पर एज यूजुअल होता है सैन हॉक, लेकिन दिस टाइम लगाया गया है टीपीटी, मतलब एफपीपी नहीं है, थर्ड पर्सन ही लगाया गया है। सो थोड़ा सा टीम्स को रिलैक्सेशन मिलने वाली है। लेट्स सी कि वो इस रिलैक्सेशन का टीम्स कैसे फ़ायदा उठाती हैं, क्या उठा भी पाती हैं या नहीं, या फिर एफपीपी उनके लिए बेस्ट था, देखते हैं। वालेकुम सलाम चार्ली 169, आप सबको बहुत बहुत रमज़ान की मुबारक हो। और यहाँ पर ड्रॉप क्लैशेस दिख रहे हैं, और टीम बाजूका एफबी के एक प्लेयर्स रहने वाले हैं। बाजूका एफबी का एक प्लेयर खो दिया है उन्होंने, एनके के यहाँ पर जोई गेमिंग यहाँ पर रहने वाले हैं, और यहाँ पर फॉल बैक किया जा रहा है बाजूका की तरफ से। बाजूका के तीनों प्लेयर्स बहुत रहने वाले हैं, बाजूका के पास कुछ भी नहीं रहने वाला, कुछ भी नहीं। बाजूका का लाइनअप यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल में रहेगा, और नुकसान उठा लिया भारी भरकम, क्योंकि बिल्कुल स्प्लिट उतरे थे बाजूका के स्क्वाड, दो प्लेयर्स बल्कि चारों ही स्क्वाड प्लेयर्स बहुत बहुत स्प्लिट उतरे हैं। बाजूका अब भी फिनिश हो गए हैं, सुहेल यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं, और जो है हाइब्रिड, हाइब्रिड की अगर लोकेशन देखें तो ब्रिज वाली साइड पर हाइब्रिड रहने वाले हैं। एंड इनके बिल्कुल करीब जो दिखाई दे रहे हैं इनके, जोई गेमिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, और इनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि नीचे हाइब्रिड रहने वाले हैं। अगर हाइब्रिड सरप्राइज नॉक देते हैं तो टीम एन के लिए थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन का समा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कैंसर पड़ सकता है, सरप्राइज नॉक पड़ सकता है। तो अच्छा रहेगा एनके के लिए अगर वो गलती से भी नीचे की जानब ना आए, और आई डोंट थिंक सो कि वो नीचे की जानब आने वाले हैं। बिल्कुल फूंक फूंक के एक दूसरे के कवर तो कवर वो पुश करते हुए नजर आ रहे हैं। Here we go. दो टीम्स का क्लैश, ओजोन प्लेस बीडी यहाँ पर रहेंगे, दूसरी तरफ रहेंगे डिक्टेटर गेमिंग का स्क्वाड, किंग ऑन बीड, पीएसआई एंड डिक्टेटर गेमिंग एंड स्मोकर एक्सटी रहेंगे। फोर मैन स्टैंडिंग दोनों ही के कंप्लीट हैं, डीबीएस का इस्तेमाल किया जाएगा रियान की तरफ से, डीबीएस एंड M4 चलाई जाएगी क्लोज रेंज के लिए डीबीएस, और यहाँ पर UMP एंड QBZ यूज़ की जाएगी। यहाँ पर एक KM एंड M4 का इस्तेमाल किया जाएगा, दूसरी तरफ जो सा है यहाँ पर UMP एंड M4, एक प्लेयर के पास DBS रहने वाली है। ऑन दी अदर एंड अगर हम यहाँ पर स्मोकर एसडी की बात करें तो झनी बैजर एंड M4 यहाँ पे चूज की गई है। इधर इधर की जानब AKM एंड M16A4, इतनी लूट यहाँ पर इनके पास नहीं मिलेगी, और यहाँ पर UMP एंड शॉट गन दोनों ही क्लोज रेंज के लिए डेडली रहती हैं। तो डिक्टेटर गेमिंग की यहाँ बात करें, डिक्टेटर गेमिंग के पास यहाँ पे मशीन गन एंड टॉमी गन रहेगी। तो यहाँ पे यूजली पायनान में मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर बहुत लंबा होल्ड दिखने को मिलता है, यहाँ पर इजी फाइट्स नहीं दिखती हैं कि इजीली टीम्स फाइट लें, यहाँ पर होल्ड रहता है, पूरा पूरा मैच गुजर जाता है, और यहाँ पर कैंपिंग चलती है, और जोन भी अगर यहाँ पर नहीं हो तो दोनों के मुश्किल रहता है। लेकिन फर्स्ट नॉक दिखने को मिला है यहाँ पर स्मोकर एक्सट्री का, और जोन प्लेस को यहाँ पे टेक डाउन कर लिया गया है खूबसूरत अंदाज से। अब देखना यह है कि क्या पुश किया जाता है, टिकटर गेमिंग की तरफ से क्लोज इन किया जा रहा है, अगर एक और डाउन किया जाता है तो फॉर श्योर टीम PS यहाँ पर पुश करते हुए नजर आएगी। लेकिन ध्यान रखना होगा टीम PS को, क्योंकि सैनहॉक में DBS
का इस्तेमाल किया जाता है, बट यहाँ पर एक और नॉक किया गया है, दोनों ही टीम्स के यहाँ पे नॉक किए गए हैं। पीएस के यहाँ पर पुश जो सा है काफ़ी हद तक रोक लिया जाएगा या रिवाइव भी दे दिया जाएगा यहाँ पर उजोन प्लेयर्स को। ड्रैगन जो से हैं यहाँ पर उन्होंने कवर फायर दिया और प्लेयर को रोका। यहाँ पर दो प्लेयर्स M7 के रहने वाले हैं डाउन, लिए चलते हैं आपको फाइट की जानब। वरदान सिमी गेमिंग के दो प्लेयर्स डेड रहने वाले हैं, वरदान एंड सिमी गेमिंग रहेंगे दूसरी जानब। यहाँ पर लिए चलते हैं आपको बाजुका के स्क्वाड की जानब। एक्स यहाँ पर नॉकआउट रहने वाले हैं, इनके बिल्कुल करीब थी जो उनकी टीम, वो जोए गेमिंग का लाइनअप था। जोए गेमिंग यहाँ पर क्रॉस कर चुके हैं पानी को, दूसरी जानब चले गए हैं। जोन काफ़ी लेफ्ट साइड पर चला गया है और पीएस स्मोकर को अगेन ड्रैगन की तरफ से डाउन किया गया है। सेकंड नॉक एक खाने को मिलेगा स्मोकर का ड्रैगन के पास। एक अच्छी पोजीशन रहने वाली है, लेकिन यहाँ पे किंग बिल्कुल भी अपनी हेयर नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी पोजीशन है उनके पास और इस बात को वो जानते हैं कि इस जगह से क्लोज इन आ सकता है और स्पॉट कर लिया गया है किंग ऑन वीड की जानब से। यहाँ पे शायद क्लोज इन किया जाएगा, शायद पुश किया जाएगा। यस यस यहाँ पर हो सकता है BW शायद पुश करती हुई नजर आएगी। यस यहाँ पर कॉल भी कर दी जाएगी और डिक्टेटर वहां से एक डाउन कर दिया गया है। रियान यहाँ पर पुश की जाएगी, किल कंफर्म कर लिया गया है किंग ऑन वीड की जानिब से। किंग ऑन वीड यहाँ पर बहुत देर से कदम जमाए बैठे थे और उनको पता था कि ये एंगल नहीं छोड़ना है। बैक साइड से डिक्टेटर गेमिंग आएंगे, मोलोटिव फेंका गया है, मोलोटिव को यहाँ पे सरवाइव किया जाएगा और यहाँ पे डिक्टेटर गेमिंग के पास बड़ी प्यारी पोजिशन रहने वाली है। और देखना ये है कि डिक्टेटर गेमिंग क्या यहाँ पर नॉक्स निकालेंगे या फिर ओजोन के थ्री मैन पुश कर देंगे डिक्टेटर गेमिंग के ऊपर। डिक्टेटर गेमिंग के ऊपर यहाँ पर काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, वो यहाँ पर क्या होल्ड करते हैं, क्योंकि इस वक्त अगर स्पॉट कर लिया जाता है डिक्टेटर गेमिंग को तो उनके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर थ्री मैन के साथ पुश कर दिया जाए डिक्टेटर गेमिंग के ऊपर। स्मोकर भी क्रॉस कर चुके हैं, हेलमेट वेस्ट नहीं रहने वाला है, बहुत जल्दी नॉकआउट होते हुए नजर आएंगे। पुश को रोका गया किंग ऑन वीड की तरफ से, एक प्लेयर को उन्होंने कंफर्म कर दिया है। मोलोटिव यहाँ पे कुक की जाए की है, लोड की है और फेंक दी गई है और शायद डिक्टेटर गेमिंग को यहाँ पे स्पॉट कर लिया गया है। यस फॉर श्योर यहाँ पे स्पॉट कर लिया गया है, लेकिन कवर फायर दिया गया है स्मोकर एक्सडी की तरफ से। गेम रिवेंज के यहाँ पे लिया गया है, रिवाइव भी दे दिया जाएगा। नेट कुक किए जाएंगे डिक्टेटर गेमिंग की तरफ से, क्लोज इन किया जा रहा है। अगर यहाँ पर स्मोकर एंड डिक्टेटर क्लोज इन करके डाउन करने की कोशिश करें तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर DBS भी रहने वाली है। ये बहुत ध्यान से खेलना होगा क्योंकि DBS के हमने देखा है कि पूरे पूरे स्क्वाड फिनिश होते नजर आए हैं। ओके डिक्टेटर गेमिंग की तरफ से ओजोन को अगेन नॉक किया है, लेकिन डिक्टेटर को भी यहाँ पे कवर पर देख के कर दिया है डाउन। स्मोकर बहुत ज्यादा लो रहने वाले हैं, स्मोकर इस वक्त अपनी जान बचा के भागते हुए, उनको पता है कि यहाँ पर लो रहने वाले हैं तो उनको फॉलो किया जा रहा है रियान की तरफ से, लेकिन डिक्टेटर यहाँ हो जाएंगे फिनिश। स्मोकर की तरफ से फॉल बैक किया गया है, हेलमेट वेस्ट नहीं रहने वाली है इनके पास, दोनों ही टीम्स के एक एक प्लेयर होने वाले हैं डेड। NXG King की तरफ से PS Danger जोड़ को कर दिया गया है नॉकआउट। दो टीम बल्कि तीन टीम्स यहां पर एक दूसरे के नजदीक हैं। मिक्सर का लाइनअप रहने वाला है और बिल्कुल करीब इनके PS का लाइनअप रहेगा। TS के हामी भी यहां पर काफी ज्यादा लो हैं, हील इनके पास बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी हील नहीं रहने वाली है। डेंजर जोड़ यहाँ पर एक किल के साथ फिनिश हो जाएंगे। NXG के प्लेयर ने यहाँ पे कर दिया था, नेड किया गया था और साथ ही साथ फिनिश भी कर दिया गया है। NXG का स्क्वाड बैक साइड से जो सा आते हुए डुओ के स्प्लिट के साथ यहाँ पे जोन की जानब बढ़ते हुए VS फ्लैश YT रहेंगे, नो स्केमिंग रहेंगे और ये चलते हैं अगेन यहाँ पर ड्रॉप क्लैश के नतीजे में जो कि फाइट चल रही थी। दोनों ही टीम्स अपने एक एक प्लेयर को गवा चुकी है। B4B मलिक YT ने यहाँ पे बादाम वाला को कर दिया है टेक डाउन। बादाम वाला ऑलरेडी थ्री मैन स्टैंडिंग प्ले कर रहे थे और अब यहाँ पर आता है। देखना यह है कि दोनों टीम्स में से कौन सी टीम फाइट विन करती है। DBS से बहुत बचना पड़ेगा। DBS से संभल के खेलना होगा। ओके स्मोकर ने यहां पर स्प्रे किया लेकिन वहां पर सेफली बच जाएंगे और जोन प्लेयर्स। अगर यहां पर स्मोकर को कर दिया जाए डाउन
किंग ऑन वीट भी आ चुके हैं एक डिफरेंट एंगल से। टावर पे बैठते हुए किंग ऑन वीट, ओके किंग ऑन वीट, किंग ऑन वीट भी यहाँ पे डाउन कर दिए गए, स्मोकर भी यहाँ पे फिनिश कर दिए गए। सायरन कवर के लिए आते हुए और सायरन ने एक प्लेयर किया डाउन, इससे ज्यादा नहीं हो सकता था। और इसी के साथ टीम ओजोन प्लेस कर लेगी टीम पीएस को यहाँ से इस मैच से एलिमिनेट। बहुत प्यारा डिफेंड किया गया, तीन प्लेयर्स बचे थे और उन्होंने पहले डिक्टेटर गेमिंग को किया फिनिश, देन स्मोकर को किया और फिर किंग ऑन वीड को, स्मोक सायरन की तरफ से एक प्लेयर को डाउन किया गया। लेकिन इसी के मुकाबले में जो है टीम पीएस हो चुकी है इस मैच से आउट। ऑलराइट जी, इसी के साथ मुकाबला आगे बढ़ते हुए 14 टीम्स यहां पर रह चुकी हैं, 44 प्लेयर्स रहने वाले अभी तक के लिए एंड वन के लिए। ये मैच जो सा है सैनो का मैच काफ़ी अच्छा रहता है उनके हक में, अच्छा प्ले करती है ये टीम सैनो के मैच को। लास्ट के डे में भी जो कि पाकिस्तान का ग्रुप हुआ था उसके अंदर भी बैक टू बैक चिकन्स निकाले गए थे सैनो का एंड वाइकंडी का मैच जो सा है बैक टू बैक चिकन्स उनकी तरफ से सिक्योर किए गए थे। दिस टाइम देखते हैं क्या सिनेरियो क्रिएट होता है उनके लिए। और नीलपुरी की अगर बात करें तो नीलपुरी के जुनेद यहाँ पर रहने वाले हैं फिनिश ऑफ, और थ्री प्लेयर्स बचे हैं ओनिक्स नीलपुरी एंड रियान। नीचे की जानब यहाँ पे थ्री मैन स्टैंडिंग के साथ प्ले कर रही है जोई गेमिंग, डॉक्टर एंड डॉक्टर रिफत वाईटी। कौन लेके जाने वाला है इस मैच को आउट ऑफ द सोन, काफी दूर टीम्स दिखाई दे रही है। एनएक्सजी का लाइनअप बहुत दूर दिखाई दे रहा है, एनएक्सजी किंग यहाँ पर अपने स्क्वाड के साथ बहुत दूर रहने वाले हैं, वीएस की यहाँ पर स्क्वाड रहने वाले हैं बहुत दूर, थ्री मैन थ्री प्लेयर्स इनके साथ थ्री और तीन ही किल्स इनके पास रहने वाले हैं आउट ऑफ द सोन। अगर हम नुक्स गेमिंग की बात करें तो नॉट नाउ के पास एक किल है और फ्लैस्को के पास कोई हील नहीं है, काम तमाम होने वाला है इनका हील को ढूंढते हुए, लेकिन आई डोंट थिंक सो के हील मिलने वाली है इनको। आउट ऑफ द जोन फिनिश हो जाएंगे, नो वन के पास यहाँ पर दो किल्स रहने वाले हैं, फोर मैन स्टैंडिंग कंप्लीट है, मैन पावर इनके पास रहने वाली है। और यहाँ पर मैं दिखाता चलूँ मैन पावर की प्लेयर्स कौन 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 सी टीम लूज कर चुकी है। यहाँ पर सिमिंग गेमिंग के पास दो टीम दो प्लेयर्स रहने वाले हैं, सिमिंग गेमिंग होते हैं और वरदान वर्दिन आई डोंट नो ये रहेंगे, और नीलपुरी के थ्री प्लेयर्स रहने वाले हैं अलाइव। एन वन के कंप्लीट मैन पावर रहेगी, फोर मैन स्टैंडिंग कंप्लीट रहेगी, पीएस के थ्री प्लेयर्स अलाइव हैं, एम सेवन के फोर मैन अलाइव हैं, आर टू एच के फोर प्लेयर्स रहने वाले हैं, कल ड्रॉप के पास एक किल रहेगा, नाइन्थ पर जो है एन एक्स जी रहेगी एक किल इनके पास भी है, फोर मैन स्टैंडिंग कंप्लीट है, वीएस के थ्री प्लेयर्स अलाइव रहने वाले हैं, और बजूका के स्क्वाड के जो है दो प्लेयर्स रहने वाले हैं, पी डब्ल्यू उजून प्लेयर्स के जहाँ पर फोर किल्स के साथ थ्री मैन स्टैंडिंग रहने वाले हैं, जो है गेमिंग के थ्री प्लेयर्स अलाइव रहने वाले हैं, बी फोर बी रहने वाले यहाँ पे फोर मैन स्टैंडिंग के साथ, आरजी के यहाँ पर दिखेंगे फोर प्लेयर्स के साथ अलाइव एक किल इनके पास, और जो कि डेड हो चुके हैं डिक्टेटर गेमिंग का यहाँ पर स्क्वाड हो चुका है फिनिश, बदाम वाला का यहाँ पर स्क्वाड फिनिश हो चुका है, और नुक्स गेमिंग यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं, और मिप सर यहाँ पर इस मैच से आउट हो चुके हैं। फोर टीम्स इस मैच से हो जाएंगी फिनिश ऑफ, 17 टीम्स ओवरऑल यहाँ पे प्ले करती हुई नजर आ रही थी, और यहाँ पर एक गुफा दिखाई दे रही है जमीन के नीचे, अभी तक ये किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं की है। NXG की तरफ से PS चोको को PS मुजलिम को कर दिया है नॉक एंड फिनिश,
यस राज जॉर्ड भी जोन से होने वाले हैं नॉक आउट, और एनएक्सजी यहां पर डैमेज करते हुए पहले एक प्लेयर को खाया, फिर दूसरे प्लेयर को खाया, तीसरा प्लेयर यहां पे जोन से डैमेज और यहां पर हील करके सेफली जा सकता है जोन में अगर एनएक्सजी की तरफ से क्लोजिंग ना किया जाए। लेकिन ऑन द अदर हैंड जोन प्लेयर्स यहां पर गेट कीप करके बैठे हैं दोनों ही टीम्स का। एनएक्सजी ने किया गेट की पीएस का, लेकिन यहाँ पर ओजोन प्लेस कर सकते हैं टेक जो नीलपुरी के रियान को यहाँ पे डाउन कर दिया जाएगा और साथ ही साथ किल भी कंफर्म कर लिया गया। बगी का बहुत फायदा उठाया मुजिम प्लेस के स्क्वाड ने और दोनों ही प्लेयर्स इस बगी की बदौलत बच जाएंगे। क्या कहते हैं गाइस कौन लेके जाने वाला है चिकन? स्टेज थ्री यहां पर है, स्टेज फोर की जानब जाएगा मैच कुछ ही देर में और फाइनल्स का डे वन। एम सेवन पार्क हीरो की तरफ से जोई गेमिंग को टेक डाउन किया जाएगा। जोई गेमिंग जो कि ऑलरेडी दो प्लेयर्स अपने गवा चुके हैं ये, और जोई गेमिंग को यहाँ पे रिवाइव आउट किया जा रहा है शायद, बट नहीं। एम सेवन पार्क हीरो की तरफ से किल कंफर्मेशन, किल सिक्योर कर लिया जाएगा, किल को नहीं जाने दिया जाएगा, किल की तरफ बहुत फोकस्ड है टीम्स। और यहाँ पर सिमी गेमिंग के थ्री प्लेयर्स भी अभी तक अलाइव हैं। पीडब्ल्यू ट्रैगो की तरफ से जैसा मैं बोल रहा था कि गेट कीप किया गया है, एनएक्सजी किंग को भी कर दिया गया है डाउन और हीरो को भी कर दिया गया है, दोनों प्लेयर्स रहने वाले हैं नॉकआउट और रिवाइव दिया जा रहा है। जोन जो सा है अलाउ नहीं करेगा बहुत देर तक यहाँ पर रुकना, जैसा कि ओजोन प्लेयर्स ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया है और जोन की जानेब पहुंच जाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एनएक्सजी किंग की बात करें तो एनएक्सजी किंग को भी यहाँ पर रिवाइव देना है, डैमेज किया पाशा को थोड़ा बहुत लेकिन नहीं। एनएक्सजी फ्री की तरफ से जिन्होंने गेट कीप किया था ओजोन प्लेस के स्क्वाड ने, और उनके एक प्लेयर को जो सा जवाबन नॉक किया गया है। फ्री को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ेगा। एनएक्सजी हीरो एंड पाशा के पास गाड़ी रहने वाली है और वो तो चले जाएंगे आराम से जोन में, बट मुश्किल रहने वाली है। पहले गेट कीप किया गया था पीएस के दोनों प्लेयर्स को और एनएक्सजी को, लेकिन दिस टाइम खुद गेट कीप किए हो चुके हैं पीएस के दोनों प्लेयर्स की जानिब से। गोकू को यहाँ जो सा है शायद इलम है कि राइट साइड पर है और पीएस को भी जोन में जाना मुश्किल होगा। टीम के पीछे टीम इस वक्त कदम जमाए बैठी है, जोन नहीं रहने वाला है पीएस चोको के पास भी जोन। ओके थोड़ा सा एज तो है लेकिन टीम एन वन बिल्कुल देख रही है और ये दो किल्स नहीं जाने देगी। इन दो किल्स को वो नहीं जाने देगी, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, जैसे ही वो मूव करेंगे एन वन को मिल जाएंगे किल्स। जोन जो सा है थोड़ा सा क्लोज करके आपको दिखाऊं तो जोन कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। एम सेवन ने पूरी तरह से कैन पल्फा की अपर वाली जो सी माउंटेन है वो उसको होल्ड कर ली है, लेकिन एन वन की तरफ से किया गया है फॉल बैक और उन्होंने बोला है अगर थोड़ी देर सिर्फ थोड़ी देर कुछ ही सेकंड्स यहां पर रुकते तो टीम पीएस के दोनों किल्स उनको मिल जाते हैं। लेकिन टीम पीएस के पीछे से आ रहे हैं किंग, किंग के हाथ लगने वाले हैं दो मुफ्त के किल्स अगर वो कर लेते हैं स्पॉट आउट। शायद नहीं देखा जा रहा है, शायद नहीं देखा जा रहा है, और देख लिया गया, दोनों ही प्लेयर्स को स्पॉट कर लिया गया, दोनों ही प्लेयर्स को स्पॉट कर लिया गया।
जोन का डैमेज अच्छा खासा पड़ा हुआ है और इसको रजॉर्ड बाहर आ चुके हैं, रजॉर्ड को भी फिनिश कर दिया गया। जैसा मैंने बोला कि मुफ्त के किल्स रहने वाले हैं, एनएक्सजी किंग खुद भी यहाँ पर शायद जोन के बाहर नॉक हो जाएंगे और किल दे देंगे जोन को। और जाते जाते उन्होंने पीएस के दोनों किल्स अपने खाते में डाले, जो कि अच्छे पॉइंट्स उनको मिल जाएंगे दोनों, और अपनी टीम को 4 पॉइंट्स तो वो दिलवाने में कामयाब रहेंगे। टीपू की तरफ से यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज दिया गया है एक्स को, और अपर साइड पर M7 के लाहौर रहने वाले हैं और बिल्कुल भी हेयर नहीं दी जा रही है इनकी तरफ से। जैसे ही क्लोज आएंगे तो देन मूव किया जाएगा। सिफ्री की तरफ से कलटॉप को कर दिया गया है नॉकआउट, और एनएक्सजी की अगर बात करें तो सेफली उन्होंने जोन तो ले लिया है, जो कि नजर नहीं आ रहा था, लग नहीं रहा था कि ये जोन लेने में कामयाब रहेंगे। जोन का डैमेज अगर देखा जाए तो जोन का डैमेज अभी तक के लिए थोड़ा सा माइल्ड है, लेकिन ज़्यादा देर इस तरह का जोन नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा। सैनो का मैच है तो अलाउ नहीं करता है इतनी देर आउट ऑफ द जोन। टीपू को यहाँ पे डाउन कर दिया गया है हम की तरफ से, और हम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लो रहेंगे। लाहौर वाइटी की तरफ से नोक N1 गोकू को भी कर दिया गया है टेक डाउन। दो प्लेयर्स इस वक्त N1 के हो चुके हैं नॉकआउट, और गोकू के भी, गोकू का किल कंफर्म कर लिया गया है। टीपू को भी यहाँ पे रिवाइव देना इजी नहीं रहेगा। N1 के वोडका एक तरफ है, वोडका की तरफ से शायद रिवाइव के लिए कोशिश की जाए। ओके, कोशिश की जा रही है रिवाइव के लिए जाते हुए एनर्जी किंग की तरफ से। बैक साइड से जाते हुए 2 किल्स और ले लिए गए हैं, 5 किल ओवरऑल किंग के पास आ चुके हैं। किंग ने ले लिए हैं 5 किल्स जोन, एक और 5 स्टेज जहां पर हमें। और M7 की अगर पोजीशन की बात करें तो इस वक्त एक हाई एडवांटेज उनके पास है, तो कोई भी किसी को भी करीब आने की वो इजाज़त नहीं देंगे और ना ही वो आने देंगे, अनलेस के उनके ऊपर जो सा है तो पहले एक दो प्लेयर्स को डाउन ना कर दिया जाए। B4B साइबर की तरफ से एक प्लेयर को डाउन किया गया है और बिल्कुल इनके नीचे रहने वाले हैं B4 VSK फ्लैश। आरजी मुन्ना यहाँ पे नॉकआउट रहने वाले हैं, जोन में जाना बाकी है। जैसे तैसे करके जोन में जाना पड़ेगा। M7 लाहौर की तरफ से एनर्जी फ्री को कर दिया और अपने टीम के लिए। कवर फायर दिया गया है अपनी टीम के लिए, और M7 लाहौर को भी इसी के साथ नॉकआउट देखने को मिला है। साथ ही साथ किल भी कंफर्म कर लिया गया NXG अभी तक के लिए। सम हाउ आई डोंट नो कैसे अभी तक, अभी बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड भी करती जा रही है, किल्स भी निकालती जा रही है। 5 किल्स लीड किया जा रहा है किंग की तरफ से, 5 किल्स इनके पास हैं। आउट ऑफ द जोन उनके PS के साथ फाइट हुई, उनकी BD का एक स्क्वाड था उसके साथ फाइट हुई, नॉट BD एक स्क्वाड था, आई डोंट नो, थोड़ा सा जेन से निकल गया है। स्क्वाड DOD नाम था इनका, जो कि बाजूका का स्क्वाड रहने वाला था, उनका एक स्क्वाड था, उनको फिनिश ऑफ किया। देन जोन में इन्होंने एंट्री ली और बैक साइड से NXG के हीरो की तरफ से एक और प्लेयर को डाउन कर दिया गया। किंग भी यहाँ पे नॉकआउट रहने वाले। जोन में जाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हाथ पांव चलाने पड़ेंगे। M7 के पाकिर यहाँ रहने वाले हैं, B4B का स्क्वाड भी यहाँ रहने वाला है, NXG के फरीक यहाँ रहने वाले हैं, और हम यहाँ पे डाउन है और जोन भी यहाँ पर है। जो टीम यहाँ पर क्लियर करके जगह ले लेगी वो इस जगह पर बहुत प्यारे से प्ले कर सकती है, क्योंकि हर तरफ से आपको एंगल दिखाई दे रहा है, हर तरफ से आपको जो सी है जगह बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रही है। टीपू जिनको रिवाइव दिया गया था वोडका की तरफ से, टीपू अभी तक लाइव है एंड वोडका यहाँ पर लाइव रहने वाले हैं। इनके बिल्कुल नीचे RG के 2 प्लेयर्स अलाइव हैं, और शमो की तरफ से टेक डाउन कर दिया गया है टीपू को, किल कंफर्मेशन कर ली जाएगी। साथ ही साथ में टीपू के साथ वोडका यहाँ पर जोन में रहने वाले हैं, और 3 की तरफ से बेलोक्स को कर दिया गया है नॉक एंड यहाँ पर रिवाइव दिया गया है। और हमको पाकिरों की तरफ से 2 मैन स्टैंडिंग यहाँ भी हैं, 4 मैन स्टैंडिंग अगेन NXG की, यहाँ NXG किंग की यहाँ पे काफी अच्छी किस्मत रहने वाली है, जो कि ओके अरहम की तरफ से एक प्लेयर को डाउन किया गया, पाशा की तरफ से अरहम को डाउन कर दिया गया, पाकिरों के बचे हैं। इसी के साथ किल कन्फर्म, टीम NXG यहाँ पर 6 किल्स के साथ लीड करते हुए डोमिनेट कर रही है, जहाँ भी जा रही है फिनिश ऑफ करती हुई जा रही है, सभी टीम्स को एलिमिनेट कर रही है। NXG किंग की तरफ से वेलोक्स हो गए हैं यहाँ पर, जैसे मैंने बोला था कि जो टीम यहाँ पर अगर फिनिश करती है किसी भी टीम को, यहाँ पर एक कदम जमा लेती है क्लियर करने के बाद, उनको बड़ी प्यारी पोजिशन मिलने वाली है, सभी एंगल उनको क्लियर मिलेंगे।
अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताऊं कि आरजी इस चीज का फायदा इस तरह उठा सकती है कि बिल्कुल लेफ्ट राइट टीम्स आपस में लड़ेंगी, अगर जोन आएगा बिल्कुल मिड तो आरजी बिल्कुल नीचे रहने वाली है। जोन यहाँ पे आप डिपेंड करता है कि जोन किस जाने जाता है, किंग की तरफ से फ्लैश को भी कर दिया गया है, फिनिश किल चुरा लिया जाएगा बीफर बी के, यहाँ पे 3 मिनट रनिंग रहेंगे और भी फिर एनएस की तरह से बीएस डांटे को कर दिया गया है नॉकआउट अभी तक के लिए। जोन जोनसा है, क्या कह सकते हैं, जोन इनके हक में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर जोन अगर एनएसजी पर यहाँ नहीं आता तो इनके लिए बिल्कुल प्रैंक भी हो सकता है। जितना अच्छा ये खेलते हैं, डिजर्व करते हैं ये चिकन लेकर जाने में, लेकिन अगर यहाँ पर जोन इन पर नहीं आता है नेक्स्ट, तो इनके लिए बैड लक ये हो सकती है कि जोन नीचे की तरफ जाना पड़ेगा लेकिन चल के नहीं जा सकते हैं, इनको जंप करना पड़ेगा या फिर हील बैटल करनी पड़ेगी। ऑन दी अदर एंड आरजी इसका बड़ा फायदा उठा सकती है, बीपर भी यहाँ पर इस वक्त बिल्कुल मुश्किल में है। एनर्जी फ्रीक यहाँ पर जो सा है नॉक निकालते हुए, पाशा ने यहाँ पर नॉक कर दिया है, साइबर ने यहाँ पर जवाबन हीरो एफ टी डब्ल्यू को नॉक किया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। आरजी के यहाँ पर 3 प्लेयर्स अलाइव थे लेकिन यहाँ पर अभी तक रिवाइव नहीं दिया जा रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पर। आई नो आई एक मोमेंट आपके साथ मैं शेयर करता चलूं, हमारे यहाँ पर हम प्ले कर रहे थे तो यहाँ पर प्ले करते हुए एक ही प्लेयर यहाँ पर नीचे रह गया था, तो हम 3 मिनट स्टैंडिंग थे, हमें नीचे जाना था, तो नीचे जाते हुए हम डेड हो गए थे, बारी बारी गए थे और डेड हो गए थे। यही मैं बात कह रहा था कि एनएक्सजी के पास जोन नहीं आने वाला है, NXG के पास यहाँ पर अब नेक्स्ट जोन नहीं है। अब यहाँ पर देखना ये है कि ये यहाँ पर हील बैटल करते हैं कि क्या सीन क्रिएट होता है। शुएब अभी तक लाइव है और ऊपर की जानब जोन नहीं है, नीचे की जानब जोन जरूर है और अब सिर्फ और सिर्फ रह चुका है एक ही कि जंप करनी पड़ेगी यहाँ पर हील बैटल। मतलब इस मैच के किल्स की अगर बात करें, 7 किल किंग के पास हैं, 4 किल फरीक के पास हैं, 3 किल पाशा के पास हैं, 2 किल हीरो एफपीडब्ल्यू के पास हैं, तो किल्स ही किल्स इनके पास हैं। बहुत प्यारी उन्होंने गेम प्ले की है इस मैच में। फरीक जैसा मैंने आपको अभी बोला था कि यहाँ पर अभी आपको प्लेयर्स गिर गिर के नॉक होते नजर आएंगे, गिर गिर के मैंने आपको अपनी एक मोमेंट शेयर किया आपके साथ कि यहाँ पर हम थे और हम 3 प्लेयर्स अलाइव थे, 1 प्लेयर नीचे जिंदा था, तो हम गिर गिर के नॉक हुए थे, तो हमारे पास कोई और अदर ऑप्शन नहीं थी, तो ऐसे ही हम गिरते गए और नॉक होते गए। दूसरा प्लेयर जाते हुए दूसरा प्लेयर भी गया। एनएक्सजी डिजर्व करती है ये चिकन, एनएक्सजी डिजर्व करती है, लेकिन यहाँ पर एनएक्सजी के साथ बहुत गंदी होने वाली है। आरजी को बराबर है चिकन मिलने वाला है, मैं बता रहा हूँ आपको, हील बैटल के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। सोचना चाहिए था टीम एनएक्सजी को कि हील सिक्योर की जाती, अपने दोनों प्लेयर से हील ली जाती और उसके बाद जो सा है ये जो सा है डिसाइड किया जाता। हील बैटल की अगर बात करें तो एक भी किट नहीं है, क्या हीरो के पास है किट्स? 8 किट्स हैं इनके पास सिर्फ। अपने दोनों प्लेयर्स को चाहिए था उनको कि हील शेयर की जाती, हील बैटल की जाती, क्योंकि इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो हील बैटल के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकते थे। 2 प्लेयर्स यहाँ पर गिर के डॉक हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं, 2 ही प्लेयर्स बचे हैं और एक और गया। किंग भी यहाँ पर खत्म। एनएक्सजी किंग के साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई है, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे और आर अनलकी नहीं हो सकती है ये टीम के, इतना अच्छा खेला है आपने, हर टीम को मारा है आपने, पूरा मैच बहुत अच्छा खेला है, लेकिन आखिर में आकर आप एक ऐसी जगह पर फंस जाओ जहां से आपको कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय खुदकुशी के, सुसाइड मिशन। तो ये सुसाइड स्क्वाड ही था, एक प्लेयर ने जंप की, फिर दूसरे ने की, फिर तीसरे ने की, फिर चौथा भी जोन में मर गया और आरजी ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ नीचे बैठी रही और जो सा है वो चिकन ले उड़ी, ये कुछ भी नहीं किया। वेल आरजी की इसको कहते हैं किस्मत का साथ होना, जब किस्मत में लिखा है कि आपके हक में चिकन है तो इसका मतलब है कि चिकन आपको मिलके रहेगा। एनएक्सजी जितनी भी कोशिश कर ले लेकिन चिकन नहीं ले सकी क्योंकि उनकी किस्मत में नहीं लिखा था। वेल उन्होंने आई एम श्योर ये तो साफ सी बात है कि उन्होंने इस मैच में बहुत पॉइंट्स निकाले हैं क्योंकि किल पॉइंट्स के
किल पॉइंट्स टू हैं, एक किल का दो पॉइंट्स रहने वाला है, तो सात अगर पॉइंट किल पॉइंट जो से किल्स रहने वाले हैं किंग, तो इनके पॉइंट्स जो से हैं 14 हैं, और फ्रीक के जो से 8 पॉइंट्स फ्रीक के पास हैं, पाशा के पास 6 पॉइंट्स रहने वाले हैं, हीरो के पास 4 किल्स रहे 4 पॉइंट्स रहने वाले हैं, तो सेकंड पोजीशन के 8 पॉइंट्स भी रहने वाले हैं, तो पॉइंट्स उनके पास अच्छे खासे तगड़े हैं, पहली टीम से आगे ही हैं। तो आरजी के पास जो है 3 किल्स हैं और 6 ओवरऑल इनके पास पॉइंट्स रहने वाले हैं, और पहली पहले चिकन के जो सा है इनके पास 10 पॉइंट्स है, सो 16 पॉइंट्स जो से इन्होंने इसमें सिक्योर किए हैं। थर्ड पोजीशन B4 भी ले चुकी है, इनके पास 6 पॉइंट्स हैं, इट मींस कि उनके पास 12 पॉइंट्स जो से हैं वो निकले हैं किल्स के। और उसके बाद VS M7 के पास भी 5 जो से हैं, लाहौर के पास 5 किल्स हैं, और उसके बाद 6 पर टीम N1 अनलकी रही, एक किल उनके पास, या तो यहाँ पर N1 होती या फिर RG होती, RG ने फिनिश किया N1 को और उसी जगह पर वो लिया। अगर यहाँ पर सोलो प्लेयर भी होता तो वो विन कर जाता, क्योंकि ऊपर जगह ही ऐसी थी कि NXG के पास और कोई और ऑप्शन नहीं रहने वाली थी। वेल एक ये सैड एंडिंग रही NXG के पास, हैप्पी स्टार्ट था, एक अच्छा स्टार्ट था, लेकिन हैप्पी एंडिंग नहीं रही NXG के लिए। तो वेल ये था सेकंड मैच का रिजल्ट, और थर्ड मैच होने जा रहा है वीकेंड ही, आपको मिलते हैं कुछ देर में।
अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू लास्ट मैच ऑफ फाइनल्स डे वन। यहाँ पर फाइनल्स का डे वन चल रहा है और यहाँ पर दो टीम्स के दरमियान मुकाबला उतरते ही ड्रॉप क्लैश के नतीजे में दिखने को मिल रहा है। M7 वर्सेस सिमी गेमिंग, यहाँ पर 9-1 का लाइनअप रहेगा और दूसरी तरफ रहेगा M7 का लाइनअप। और लेते चले आपको दूसरी तरफ ड्रॉप क्लैश की जानेब, तो टीम VS वर्सेस टीम PS एक दूसरे के मध्य मुकाबले रहेगी। किंग ऑन बीड की तरफ से कर दिया गया है नॉक एंड फिनिश। दो टीम्स एक दूसरे के मध्य मुकाबले हैं। साइरन को यहाँ पे सेफली रिवाइव आउट कर दिया जाएगा और राजशॉट की तरफ से जोई गेमिंग को कर दिया जाएगा नॉक आउट। दो टीम्स एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं, एक प्लेयर को बा चुकी है एक टीम VS की और NK का दूसरी तरफ जैसा चल रहा है। NK के दो प्लेयर्स ने कर दिया है डेंजर को भी और मुजरिम को भी फिनिश आउट। और इसी के साथ आई गेस टीम ने कर दिया है PS मुजरिम के स्क्वाड ने कर दिया है NK के जोई गेमिंग के स्क्वाड को इस मैच से बाहर। और साइफर यहां पर रहेंगे, रसजोड़ रहेंगे अकेले। अब यहाँ पर अर्ली ऑन एक एलिमिनेशन देखने को मिली है टीम की, जो सा है सिमी गेमिंग इस मैच से बाहर हो चुकी है। स्क्वाड फाइट देखने को मिली थी ड्रॉप क्लैश में के नतीजे में, PS मुजरिम का स्क्वाड था और सिमी गेमिंग का स्क्वाड था। PS के दो बंदे डेड हो चुके हैं लेकिन सिमी गेमिंग इस मैच से बाहर हो चुकी है, एलिमिनेट कर दी गई है मुजरिम प्लेस की तरफ से। अगर ड्रॉप क्लैश की ओवरऑल लिए चले यहाँ पर, दूसरी तरफ M7 का यहाँ पर एक प्लेयर हो चुका है डेड, 9-1 प्लेस का स्क्वाड यहाँ पर रहने वाला है। दूसरी तरफ सिमी गेमिंग का यहाँ पर स्क्वाड रहने वाला है। आई वाज रॉन्ग, सिमी गेमिंग नहीं बाहर हुई, जोई गेमिंग का स्क्वाड जो के बाहर हुआ है। और हियर जो है दो टीम्स के दरमियान फाइट दिखने को मिल रही है, बिल्कुल स्नीकी गेम प्ले है, बिल्कुल भी हेयरिंग नहीं दी जा रही है किसी किस्म की। सिमी गेमिंग रहेंगे, वरदान रहेंगे, एक्साइरन रहेंगे और लाहौर वाइटी यहाँ पर पाक हीरो 9-1 रहेंगे जो कि 3 मैन स्टैंडिंग के साथ है। उतरते ही अरहम को फिनिश कर दिया गया था बाय सिमी गेमिंग। और ऑन दी अदर एंड अगर ड्रॉप क्लैशेस की तरफ नजर दोहराते जाएं तो नेलपुरी यहाँ पर रहेंगी, BW का स्क्वाड यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कि ओजोन प्लेस का लाइनअप रहने वाला है। अभी तक के लिए अच्छा तो प्ले कर रहा है लेकिन सिर्फ वो दो टीम्स होने वाली हैं जो कि लेके जाएंगी सेमीफाइनल एंड फाइनल्स की यहाँ पर पोजीशन। और कौन सी वो दो टीम्स होने वाली हैं कल हमें दिखने को आ जाएगा। नीलपुरी का यहाँ पर आज चिकन रहने वाला है नीलपुरी का। और इस वक्त अगर हम दिखाएं 4 मैन स्टैंडिंग कंप्लीट है, स्की के ऊपर जो सा है घुमा जा रहा है, रियान रहेंगे एंड ऑनिक्स रहेंगे। गाड़ियां भी तलाश करनी होंगी जोन की, बिल्कुल मिड में ये रहने वाले हैं। B4B का यहाँ पर 4 मैन स्टैंडिंग रहेगा, हसन अनस साइबर एंड FW मलिक रहेंगे जो कि 4 मैन स्टैंडिंग के साथ कंप्लीट प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। डाउन साइड पर इनके बिल्कुल करीब जोन प्लेस का लाइनअप भी रहने वाला है जो कि बिल्कुल करीब आ चुका है नीलपुरी के। BW के FNR मुश्किल में पड़ सकते हैं, बिल्कुल ओपन में पुश किया जा रहा है। जुनेद यहाँ पर थोड़ा सा सफर के साथ काम लेंगे बट बड़ी मुश्किल से बचे हैं, एक परसेंट भी हेल्थ उनकी नहीं रह रही है। बड़ी मुश्किल से कवर किया, बहुत मुश्किल से कवर किया, कवर दे चुकी है रियान। दोनों टीम एक दूसरे को बहुत तगड़ा कर रहे हैं। नीलपुरी की तरफ से यहाँ पे जीवन किया गया लेकिन जोन की तरफ से UM जो है उसी के साथ नॉक कर दिया और यहाँ पर हील करना बाकी है जोन के लिए। जोन क्या यहाँ पर हील कर पाएंगे, रियान और आ चुके हैं। DBS का यहाँ पर जो सा है एक शॉट मारा गया है और 1v1 का मुकाबला रहेगा अगर यहाँ पर नहीं आता उनका बैकअप। नीलपुरी के यहाँ पर एक प्लेयर हो चुके हैं फिनिश ऑफ, यहाँ पर नेट को किया जा रहा है, नेट के साथ क्या यहाँ पर डाउन किया जाएगा देखना ये पड़ेगा। नीलपुरी का एक और प्लेयर नॉकआउट हो चुका है ऑनिक्स। मुकाबला रहेगा यहाँ पे 1v2 का। ओ
ओके यहाँ पर एक प्लेयर को फिनिश डाउन किया, नॉकआउट किया, दूसरे प्लेयर को 50% तक लो कर दिया, लेकिन इसी के साथ बीडब्ल्यू जोन प्लेस के लाइनअप ने कर दिया है एलिमिनेट एक और स्क्वाड को। दूसरी जानब लिए चले तो N1 वर्सेस RD की फाइट दिख रही है, थर्ड पार्टी की गई है N1 की तरफ से। सिमी गेमिंग के यहाँ पर डाउन कर दी है उन्होंने, तीन प्लेयर्स को कर दिया है फिनिश, एलिमिनेट कर दिया है। सिमी गेमिंग अकेले बचे हैं, बची हैं, और N1 की तरफ से फॉल बैक कर लिया गया है एक किल चुराने के बाद। वोट का यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं फाइट के नतीजे में। और अगर हम M7 की बात करें तो M7 के पास दो किल्स आ चुके हैं थर्ड पार्टी करके, N1 ने एक किल चुराया और चलती बनी। सिमी गेमिंग अब यहाँ पर अकेली प्ले करेंगी, फॉल बैक के अलावा इनके पास और ऑप्शन नहीं रहेगा क्योंकि जोन में भी इनको जाना बाकी रहेगा। VS यहाँ पर फॉल बैक कर चुकी है, VS के यहाँ पर वेलॉक्स रहेंगे, डांटे रहेंगे, फ्लैश वाइट ही रहेंगे और वाइपर रहेंगे, जो कि एक प्लेयर यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं इनके बाय टीम PS और किंग ऑन वीड के पास इनके एक किल आ चुका है। ऑटो चिंसेन की तरफ से मिप्सर प्लेस को कर दिया जाएगा, नॉकआउट बाय DBS। इसी के साथ R2H ने कर दिया है एक और टीम को वाइप आउट। यहाँ पर ड्रॉप क्लैशेस के काफी सारे फाइट्स दिखने को मिली हैं, मिप्सर प्लेयर्स हो चुके हैं इस मैच से बाहर, R2H की यहाँ पर स्क्वाड ने कर दिया है मिप्सर प्लेयर्स को भी बाहर, और ऊपर की जानब W मलिक को कर दिया जाएगा इंसेन की जानब से हेडशॉट के साथ नॉकआउट। 4v4 की फाइट रहेगी, तीन किल्स आ चुके हैं इनके खाते में और सिमी गेमिंग ने कर दिया है पाक हीरो को फिनिश ऑफ। और देखते ही देखते क्या मुझे नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है मुझे कि सिमी गेमिंग ने 1v2 किया है खतरनाक किस्म का, ओके। DBS रीलोड की जा रही थी लेकिन डैमेज हैज बीन डन, सिमी गेमिंग की तरफ से पाक हीरो को फिनिश कर दिया, लाहौर वाइटी को फिनिश कर दिया, आखिरी बचे थे 1v2 किया गया है M7 के ऊपर और डैमेज हैज बीन डन। जैसा मैंने बोला अकेले प्लेयर का दो प्लेयर्स को खा जाना ये आसान नहीं रहता, इट्स अ बिग डील। 1v2 किया, फिनिश कर दिया, अकेले बचे हैं 9-1 प्लेयर्स। और यहाँ पर टीम PS की बात करें मुजरिम प्लेयर्स के, 3 किल्स साइफर के पास है, राज जॉर्ड के पास 1 किल रहने वाला है, डेंजर जॉर्ड एंड मुजरिम यहाँ पर एलिमिनेट कर दिए गए थे टीम की तरफ से, जो कि जोई गेमिंग का स्क्वाड था। और यहाँ पर हमें फाइट देखने को मिल रही है RG बिटवीन RG एंड बाजूका FBK के दरमियान है, बाजूका का यहाँ पर स्क्वाड रहने वाला है और RG का स्क्वाड रहेगा। बाजूका के यहाँ पर हील दिया जा रहा है, हाइब्रिड यहाँ पर नॉक रहने वाले हैं, रिवाइव दे दिया गया है शैमो को। यहाँ पर बाजूका का स्क्वाड मुझे मुश्किल में दिखाई दे रहा है, नगाटो यहाँ पर नॉकआउट रहने वाले हैं, रिवाइव आउट का प्रोसेस जारी है। और अगर यहाँ पर रिवाइव दे दिया जाता है अगेन मैन पावर कम्प्लीट हो जाएगी और हाइब्रिड को यहाँ पर किल कन्फर्म कर लिया जाएगा। ओवरऑल टीम्स की बात करें तो NXG का स्क्वाड यहां पर फाइट दिखने को मिल रही है बिल्कुल मिड में, जो से R2H का स्क्वाड रहने वाला है। यहां पर VS वर्सेस NXG दिखाई दे रही है, फ्लैश वाइट ही फिनिश हो चुके हैं, 2v4 का सिनेरियो यहां पर रहेगा। NXG ब्लेड MVP जो से हैं यहां पर नॉकआउट रहने वाले हैं, रिवाइव देना बाकी है और शायद यहां पर रिवाइव दे दिया जाए लेकिन नहीं, अलाउ नहीं किया गया। डांटे की तरह से किल सिक्योर कर लिया गया है, अकेले बचे हैं। अब यहां पर बात है 1v3 की, नेट को किया गया है, क्या ये नेड हो सकता है, एक प्यारा सा नेड डैमेज पड़ेगा या नहीं? नहीं, दो प्लेयर्स एक दूसरे के साथ कवर पे आते हुए RG नेगाटो की तरफ से ऑडिन सोहेल को भी कर दिया जाएगा, ऑडिन सोहेल की तरफ से RG शामो को कर दिया जाएगा। यहाँ पे बहुत तगड़ी फाइट दिखने को मिल रही है, लिए चलते हैं यहाँ पे, मिस नहीं करते इस फाइट को। RG वर्सेस ओजोन, ओके, दो प्लेयर्स को उन्होंने किया नॉकआउट, 1v2 किया, आई गेस 1v3 किया गया है ऑर्डिनेक्स की तरफ से, और इसी के साथ 1v3, ओ माय गॉड, ऑर्डिन की तरफ से पूरे स्क्वाड को फिनिश कर दिया है 1v4, ऑर्डिन एक्स की तरफ से 1v4 किया गया है RG के ऊपर, आई मीन 1v4 नेवर इजी।
पहला 1v4 दिखने को मिला है आज के, ये मतलब जब का रमजान कब शुरू हुआ है, पहला 1v4 दिखने को मिला है बाय टीम बाजूका। गन पावर यहां पर दिख रहा है टीम ऑर्डिन का, गन पावर आरजी का भी कम नहीं था, लेकिन यहां पर 1v4 करके उन्होंने पछाड़ के रख दिया है। अब यहां पर थर्ड पार्टी के लिए आ चुके हैं N1 के, 2v4 का सिचुएशन रहेगा, जैसा गेम प्ले कर रहे हैं वैसा अभी का चलता है, तो एक्स के लिए एक्स से बचना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड जो सा है फाइट दिख रही है एनएक्सजी वर्सेस टीपीएस, एनएक्सजी के भी दो प्लेट जोन रहने वाले हैं, पीएस के भी यहां पे रहने वाले हैं, और टीम एनएक्सजी इस मैच से हो चुकी है बाहर। और भी फॉर मी ये आप अपनी स्क्रीन स्विच करो, वो M791 दिख रहा भागता हुआ स्क्रीन पर ना। वो फायर आप कमेंट्री कहीं और चल रही है और ये नो वन देख रहा है दूसरी वाली स्क्रीन पर। सही समझ लगी? I'm sorry टाइम से बता दिया। I'm really sorry, यहाँ पर स्क्रीन जो सी है दूसरी रह गई थी स्क्रीन पर, और इन्फॉर्म कर दिया गया है अभी, मैंने बहुत सारी फाइट्स मिस कर दी होंगी उसके लिए मैं माजरत खाऊं। यहाँ पर मैं फाइट आपको दिखा रहा था टीम पीएस वर्सेस एनएक्सजी की, क्या ही कह सकते हैं, मैं भूल गया एक स्क्रीन को चला के और उसके बाद मैं स्क्रीन स्विच करना मेरे जहन में नहीं रहा। यहाँ पर एनएक्सजी को वाइप किया गया है बाय टीम पीएस, यहाँ पर फाइट चल रही थी आर2एच की, आर2एच को वाइप किया एनएक्सजी ने, एनएक्सजी को वाइप किया टीम पीएस ने। और ओवरऑल अगर किल्स की बात करें कि किंग ऑन वीड के पास 2 किल्स, मुखर के पास 2 किल, और जो सा है ओवरऑल 8 पॉइंट्स इनके पास आ चुके हैं किल्स के लिए। चलते हैं, यहाँ पर 1v4 किया गया था, मैं बिल्कुल मिस कर दिया, जो कि मिस करने वाला नहीं था, मिस कर दिया मैंने स्क्रीन डबल होने की वजह से। जो सा है पाजुका के स्क्वाड की तरफ से किया गया था 1v4, और थोड़ा सा रिकैप करता चलूँ, सिचुएशन दिखाता चलूँ। यहाँ पर N1 का स्क्वाड यहाँ रहेगा और फॉल बैक किया गया है, जो सा ओजोन प्लेस की तरफ से फॉल बैक कर लिया गया है। यहाँ पर पीएस के 2 प्लेयर्स रहने वाले हैं, फोर किल्स ओवरऑल इस टीम के पास रहेंगे। 3 स्टेजेस तक बात आ चुकी है जी, 4th स्टेज की जाने 1.5 मिनट के बाद मैच बढ़ेगा। 9 टीम्स रह चुकी हैं, 25 प्लेयर्स इस मैच में रहने वाले हैं, आउट ऑफ द जोन रहने वाले हैं M791। काफ़ी देर से इस प्लेयर पर मेरी स्क्रीन अटकी हुई थी और कोई भी गाड़ी इनके पास नहीं रहने वाली है, जोन में जाना बाकी है। अभी तक हील्स भी इनके पास है तो सेफली जोन में जाया जा सकता है। ये चलते हैं आपको जोन की जानब, बिल्कुल मिड में कोई टीम नहीं दिखाई दे रही है। पीएस की टीम यहां पर फॉर्मेंस स्टैंडिंग के साथ रहेगी, और 1v4 जो किया गया है वो जोन जो सा बाजुका के स्क्वाड की जानब से वो बहुत उम्दा था, देखने काबिल था, बट मैं आपको दिखा नहीं सका। मैंने अपनी आंखों से देखा लेकिन मैं शेयर नहीं कर सका। वेल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय ऑडिन एक्स, बिल्कुल इनके करीब रहने वाले हैं पीएस के 2 प्लेयर्स, और जो सा इनके साइड पर N1 का स्क्वाड था, उनकी तरफ से जोन में एंट्री लेने की जानब मूव किया गया है, और यहां पर अभी तक 4 मैच स्टैंडिंग के साथ नुस गेमिंग प्ले कर रहे हैं। सेवन सेकंड्स के बाद एक नया सर्कल स्टार्ट होने को दिखेगा, और यहाँ पर टीम्स की तरफ से होल्ड किया जा रहा है। अभी सभी टीम्स की तरफ से कोशिश ये है कि हम अच्छे से परफॉर्म करके लास्ट तक जाएं
और जो सा फाइनल्स में देन मूव ऑन किए जाएं। सभी टीम्स की लालच तो यही रहने वाली है, बाकी अदर टीम्स की जिसके पास पॉइंट्स नहीं है कल के दिन वो फाइट बैक करने की कोशिश करेंगे और टेबल पॉइंट्स को थोड़ा सा हिलाने की कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम भी जो सा है ऊपर की जानेब आएँ और एक अच्छे एंड अच्छे नोट पर स्ट्रीमर शोडाउन को हम एंड करें। तो गेमिंग की तरफ से टैप टैप किया जा रहा है, लॉन्ग रेंज फाइट है ऊपर की जाने भी इनके थ्री मैन स्टैंडिंग के साथ हसन मलिक एंड अनस रहेंगे, बी फोर बी की तरफ से बिल्कुल नीचे की जानब रहेंगे एंड जी का स्क्वाड जो कि नर्स गेमिंग फर्स्ट को नॉट नाउ और टी थर्टीन के प्लेयर रहेंगे। थर्टी एट सेकेंड्स के बाद जोन चलने वाला है, बिल्कुल मिड ऑफ द जोन जो सी है नर्स गेमिंग रहने वाली है और बिल्कुल करीब इनके बी फॉर बी रहेगी, बिल्कुल एक एच पर एन वन का स्क्वाड रहने वाला है। पीएस के दो प्लेयर्स रहने वाले हैं यहाँ पर और दो ही प्लेयर्स रहने वाले हैं बाचूका एफ बी के और एक एच पर जो सा एम सेवन का सोलो प्लेयर रहने वाला है। ओनली 15 सेकंड्स के बाद एक नया जोन दिखने वाला है। व्हाट डू यू से गाइस, व्हाट डू यू थिंक, आप अपना जो सा है अपने मुताबिक बताइए कौन सी टीम ये लास्ट मैच लेके जाने वाली है अपने जो सा है खाते में डालने वाली है। 3-2-1-0 जोन जो सा है फेवर कर चुका है नीचे की जानब तीन टीम्स के, बिल्कुल मिड के करीब करीब टीम पीएस दिखाई दे रही है, बी फोर बी यहां पर दिखाई दे रही है और जोन में अभी तक जो दिखने वाली नजर आ रही है टीम नस रहेगी और ऊपर की तरफ बी फोर बी रहेगी और बिल्कुल इनके करीब दिखाई दे रही है टीम पीएस। बी फॉर बी की तरफ से एक अच्छी पोजीशन लेने की के लिए शायद मूव किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि हम एक अच्छी पोजीशन पर होल्ड करें क्योंकि इनको भी इस चीज़ का आइडिया है कि वाई कैन डीम है बिल्कुल मिड टू मिड जोन लगता जाता है, हार्ड शिफ्ट दिखने को मिलते नहीं है जोन के, तो एक जगह पर होल्ड कर लिया जाए देन जोन उसी तरफ मिड टू मिड आता जाता है जबकि दूसरे मैप्स में ऐसा नहीं होता है। एन जी नॉट नो की तरफ से बी डब्ल्यू को नॉक किया गया है, दो टीम्स एक दूसरे के मध्य मुकाबले हैं जैसे कि आपको फाइट की जानब लेता चलता हूँ, तो 2v3 4v3 की फाइट यहाँ पर रहती है और जोन प्लेयर्स अब भी जो से बी डी जो से हैं यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं एक किल के साथ। ड्रैगो को यहाँ पर रिवाइव दिया जा रहा है, थर्ड पार्टी आई गेस नो रियान की तरफ से नॉक किया गया है नोस गेमिंग को और एक अच्छा जो सा है नॉक है। इसके बाद से टीम होल्ड पर आ जाती है जैसे ही टीम कॉन्फिडेंट नजर आती है, लेकिन बैक साइड पर आटो जीनो रहेंगे और इन्होंने स्पॉट कर लिया है पीएस के दोनों प्लेयर्स को, स्प्रेस किए जा रहे हैं फुल सिक्स एक्स के साथ। बी डब्ल्यू रियान को यहाँ पे बाय ब्लास्ट ऑफ कार नॉक खाने को मिलेगा और एक और प्लेयर हो चुके हैं नोस गेमिंग के इसी के साथ। टीम जो सा है BW हो जाएगी इस राउंड से इस मैच से बाहर। ओजोन प्लेस का आएगा स्क्वाड था ओजोन प्लेस का, यप ओजोन प्लेस BD का ये थ्री मैन स्टैंडिंग था जो कि NG नूस गेमिंग ने कर दिया है एलिमिनेट। और नीचे की जानब मैं आपको दिखाऊं तो R2H के प्लेयर्स दिखने को मिल रहे हैं, थ्री मैन स्टैंडिंग है जोन में रहने वाले हैं तो अब उनकी तरफ से होल्ड किया जाएगा जैसा कि यहां पर दिख रहे हैं। टू मैन स्टैंडिंग रहने वाले इनके बैक साइड पर बाजूका का स्क्वाड रहने वाला है टू मैन स्टैंडिंग के साथ और ऊपर की तरफ R2H के थोड़ा सा स्प्लिट में प्ले करते हुए प्लेयर्स नजर आ रहे हैं। जोन की मैं बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया था बिल्कुल मिड टू मिड जोन चलता है तो उनको टीम्स की तरफ से फॉलो किया जा रहा है, बिल्कुल इनके करीब N1 का स्क्वाड जोन में रहने वाला है। आउट ऑफ जोन जैसे R2H कॉन्सेप्ट ऑफलाइन रहने वाले हैं तो इनकी मैन पावर होने वाली है आधी और बी फॉर बी को जोन में जाना है। इनकी तरफ से जोन जो है चेंज की गई थी पोजीशन लेकिन इस पोजीशन में भी जोन नहीं आया तो अब एक नई पोजीशन की जानब मूव किया जाएगा कि एक अच्छी पोजीशन में जाया जाए और बिल्कुल जोन के मिड में बैठा जाए, यही एक इस जो सा है अप्रोच रहती है टीम्स की तरफ से। बाजूका के प्लेयर का यहाँ पर ओडिन की क्या ही तारीफ करें, RG के ऊपर उन्होंने 1v4 किया, 1v4 करके उन्होंने अपने आप को मनवाया है, कंप्लीट स्क्वाड सिंगल हैंडेडली उन्होंने वाइप आउट करके दिखाया, चार किल्स उन्होंने अपने टीम पर करवाए और बी फॉर बी का
स्क्वाड इसी जानेब आ रहा था, स्प्रे करके उन्होंने भगा दिया, धकेल दिया पीछे की जानेब, क्योंकि यहाँ पर वो इस वक्त नहीं वो बर्दाश्त कर सकते अगर कोई भी टीम इनकी जानेब आती है। स्प्रे किए जा रहे हैं एन वन की जानेब से, काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया, कोई भी इस कंपाउंड में नहीं रहने वाला है, बट सिक्योर सेफ गेम प्ले किया जाएगा, सभी की तरफ से कोशिश की जाएगी कि हम एक अच्छी पोजिशन ले। ओके जी, टीम पीएस के दो प्लेयर्स भी आ चुके हैं एक अच्छी पोजीशन पर डाउन साइड पर, एम सेवन के नो वन रहने वाले हैं। सोलोमन स्टैंडिंग बहुत देर से सर्वाइवल निकाल रहे हैं, और अपर साइड पर थ्री मैन स्टैंडिंग जो से हैं गोकू टीपू एंड मानी रहेंगे। ओवरऑल किल्स की इनकी बात करें तो किल्स इनके पास एक है, लेकिन पोजीशन पर प्ले किया जा रहा है, कोशिश ट्राई हार्ड किया जा रहा है किसी तरीके से हम एक अच्छा पॉइंट्स टेबल के ऊपर अपने जो से हैं पॉइंट्स लिख सकें। M7 के 9-1 बहुत दूर से ऑन फुट भागते हुए आ रहे हैं, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि मिलनार से आई गेस वो निकलते हुए आ रहे हैं, और जहां तक पहुंचे हैं बहुत लंबा सफ़र है जो वो तय करके आए हैं, ऑलमोस्ट वो इस वक्त थक चुके होंगे। B4B के बिल्कुल ऊपर एक स्क्वाड दिख रहा है टनल में, इस वक्त वो आ चुके हैं टनल में घुसे हैं, तो अगर जोन यहाँ पर आता है तो टनल का बड़ा खूबी फायदा उठा सकते हैं, जोन टनल के नीचे भी है। ओके, बिल्कुल टनल के अंदर एक और स्क्वाड भी रहने वाला है, R2H का स्क्वाड भी टनल के अंदर रहने वाला है। बिल्कुल इनके ऊपर स्क्वाड जो दिख रहा है वो है NG का, नुस गेमिंग का स्क्वाड रहेगा। इनके नीचे दो टीम्स दिखाई दे रही हैं जो कि होल्ड करेंगी, जोन नहीं रहने वाला। बैक साइड पर टीम PS के ऊपर भी, N1 के ऊपर भी आई गेस जोन नहीं है, थोड़ा सा क्लोज इन करके देखते हैं जोन को। ओके जी, एक है N1 के ऊपर है, तीन टीम्स एक टनल पर रहने वाली हैं, PS का स्क्वाड जोन में आना बाकी है, और नुस गेमिंग जो सी है हिल के बिल्कुल एंट्रेंस पर जो सा है टनल के बिल्कुल एंट्रेंस पर कदम जमाए बैठी है। इनके बिल्कुल नीचे नाक के नीचे R2H के दो प्लेयर्स रहने वाले हैं। एक अच्छी पोजीशन में उस गेमिंग यहाँ पर रहने वाले हैं, देखना यह है कि जो आउट ऑफ जोन है टीम्स वो कैसे जोन में एंट्री लेती हैं। सोलो प्लेयर M7 के भी रहने वाले हैं, PS के भी दो प्लेयर जोन में एंट्री लेना बाकी है, और जो से बाजूका के आई गेस दो प्लेयर्स रहने वाले हैं, बाजूका खुद हैं और ओडिन एक्स रहने वाले हैं, जिनको जोन में एंट्री लेनी बाकी है, जोन में जाना इनको पड़ेगा। और राइट साइड पर N1 नहीं अलाउ करेगी जोन में आना, यहाँ पर एनोस गेमिंग के प्लेयर्स रहने वाले हैं जो कि एक अच्छी पोजीशन पर आ चुके हैं। इसी साइड से PS के स्क्वाड को भी जोन में आना बाकी है। एक ही गाड़ी में टीम PS की तरफ से रोटेशन, खतरनाक स्टेप रहेगा, खतरनाक डिसीजन रहने वाला है। लेफ्ट राइट यहाँ पर साइरन की तरफ से नॉक, किंग की तरफ से कवर फायर, गाड़ी का ब्लास्ट हो सकता है, लेकिन लेफ्ट राइट से यहां पे पड़ती हुई नजर आएगी, लेफ्ट राइट से यहां पे पड़ती हुई नजर आएगी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यही चीज मैं कह रहा था, एक खतरनाक डिसीजन था, एक जगह पर जो सा है आके रुके, लेफ्ट राइट वहां से पड़ी उनको, और टीम नुस ने यहां पर कर दिया है कंप्लीटली वाइप आउट टीम PS को। जोन 43 सेकंड्स के बाद एक नया सर्कल दिखने को मिलेगा टनल में, जो सी टीम्स रहने वाली हैं उनको काफी फायदा मिलने वाला है जोन का। और टीम PS की बात करें तो एक शेक में जो है दोनों प्लेयर्स की तरफ से जोन लगा लिया गया है, शेक का जोन अगर यहां पर आता है तो इनको भी फायदा मिलेगा। जोन के टनल की बात करें तो टनल में जो है दो प्लेयर्स अभी भी अलाइव है B4B के, वो भी यहाँ पर कदम जमा सकते हैं। 20 सेकंड्स के बाद स्टेज 7 देखने वाला है, यूजुअली 7 स्टेज तक खत्म हो जाता है, लेकिन साइफर की तरफ से M7 9-1 का किल ले लिया गया है, 6th पोजीशन दिलवाने में कामयाब रहे M7 के प्लेयर, काफी लंबा सफर उन्होंने तय किया और 6th पोजीशन उन्होंने सिक्योर करवाई अपनी टीम के लिए। और डस गेमिंग अपर साइड परफॉर्मेंस स्टैंडिंग के साथ रहेंगे, B4B के दो प्लेयर्स निचली जाने पर रहेंगे, और जोन नहीं है अब टनल का, देखना यह है कि कैसे प्ले करते हैं। टनल का एक साइड तो शायद से रहेगा, लेकिन जोन अब आ चुका है नुस गेमिंग के पास। नुस गेमिंग अभी तक के लिए मैन पावर के लिहाज से कंप्लीट रहने वाली है, N1 के पास 3 मैन स्टैंडिंग रहेगी, और एक एज जोन सा है ये रहने वाला है इस एंट्रेंस का,
और यहाँ पर अगर एंट्री ले ली जाए तो काफ़ी टीम्स के लिए आसानी होने वाली है, क्योंकि टनल का एक एज होता है और इसी साइड से R2H की टीम जाती हुई नज़र आ रही है। R2H की टीम बिल्कुल मिड में है, निचली जानब टनल के अंदर अगर देखा जाए बिल्कुल मिड ऑफ द सर्कल उनको रहेगा, और दूसरी जानब एम जो सी है B4B आ चुकी है, MK वर्सेस थॉमसन अकेले प्लेयर हैं, DBS है, नहीं कर सकते DBS का मुकाबला, थोड़ा सा लेट हुए, अनस नेट कुक किया हुआ है, दोनों की तरफ से नेट एक्सचेंज किए जाएंगे, बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ा। N1 को कुकू यहाँ पे कर दिया गया, ऊपर की जानब दो टीम्स के दरमियान फाइट है नोस गेमिंग के, यहाँ पे दो प्लेयर्स डाउन रहने वाले हैं N1 के, यहाँ पे गोकू डाउन रहने वाले हैं, दूसरी जानब PS के भी दो प्लेयर्स अभी तक लाइफ रहने वाले हैं। मैन पावर की बात करें तो मैन पावर का यहाँ पे फायदा उनको मिलेगा जिनके पास कंप्लीट स्क्वाड अलाइव है। गोकू यहाँ पे नॉक है, रिवाइव देना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन एक ब्रेव डिसीजन कहूँ या फिर एक गलत डिसीजन कहूँ, कुछ कह नहीं सकते हैं। लेट्स सी एंड वॉच कि यहाँ पर क्या किया जाता है बाय टीम N1। उसके हमें को यहाँ पे मामू की तरफ से बहुत प्यारा नॉक एंड फिनिश, अकेले बचे हैं मानी, नॉक नॉक की तरफ से क्लोज इन किया जा रहा है, 0 HP बचे हैं, बहुत ज्यादा लो है। ऑलराइट मानी की तरफ से एक प्लेयर को नॉक एंड फिनिश, नॉट नॉक को कर दिया है। NG को यहाँ पे बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, इसका फायदा मिलेगा R2H को और PS को, मे बी अनस भी यहाँ पर फायदा उठा सकते हैं, बट सोलो मैन रहने वाले हैं, हील नहीं है उनके पास, उनके पास बिल्कुल भी हेल्थ नहीं रहने वाली है। यहाँ पर रश जॉर्ड रहेंगे, जोन इनके पास रहेगा, जोन में अंदर एंट्री अच्छी बनाए बैठे हैं जोन की जाने मूव करते हुए। R2H के दोनों प्लेयर्स बिल्कुल नीचे टनल में रहने वाले हैं, B4B अनस की तरफ से हील बैटल की जा रही है, और ऑन दी अदर एंड मानी की तरफ से तगड़ा गेम प्ले किया जा रहा है। पहले एक प्लेयर को उन्होंने फिनिश किया, दूसरे को नॉकआउट किया, तीसरे प्लेयर को उन्होंने नॉकआउट किया, बिल्कुल हल्के में नहीं आ रहे हैं ये, और NG के एक किल चुरा लिया गया है, और इसके साथ टीम वाइप आउट नोस गेमिंग को कर दिया गया है, कंप्लीटली वाइप आउट। N1 मानी ने जो सा है यहाँ पर बहुत अच्छा अग्रेशन दिखाया है, पहले एक प्लेयर को फिनिश किया, फिर दूसरे प्लेयर को नॉक किया, फिर तीसरे को किया, और देन रजोर्ड ने थर्ड पार्टी करके एक प्लेयर को चुरा लिया किल। और यहाँ पर मानी जो से हैं अभी तक प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं, निचली जानेब R2H के दोनों प्लेयर्स रहेंगे, तीन टीम्स यहाँ पर अलाइव रहने वाली हैं, नजर नहीं आ रहा था ऐसा जैसा हो गया। विंडोज गेमिंग का 4 में स्टैंडिंग कंप्लीट था, देन PS का वाइप आउट हो जाना, N1 के दो प्लेयर्स के गिरने के बावजूद मानी का इतना जो सा है अग्रेशन दिखाना, और उसके बाद जो सा है R2H के टनल्स में B4B के एक प्लेयर का फिनिश हो जाना, देन आउट ऑफ द जोन अनस फिनिश हो जाए, और मानी अभी तक यहाँ पर अलाइव है, जोन किसी तरीके से लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जोन में एंट्री मिले और वो कैरी ऑन कर सकें। इससे ज़्यादा साइफर ने यहाँ पर स्पॉट किया है, साइफर एक जानब है और दूसरी जानब रहने वाले हैं रश जॉर्ड, रजौर ने स्पॉट कर लिया है N1 मानी को, शायद रजौर को इस चीज का नहीं इलम, टीम PS को इस चीज का इलम नहीं रहने वाला कि ऊपर की जानब कोई नहीं है, थोड़ा सा प्रेशर में है, क्योंकि इस चीज का इलम होना मुश्किल है कि टनल में भी कोई टीम रहने वाली है, बिल्कुल हेर आ रही है और उनको आ भी रही होगी, और ऊपरी जानब सिर्फ एक अकेले प्लेयर है मानी और दूसरी जानब है PS के दो प्लेयर्स। मानी की तरफ से जो 1v3 किया गया है, क्या वो ही रिदम बरकरार रख पाते हैं, यानी मानी को यहाँ पर कर दिया है साइफर ने फिनिश ऑफ 2v3, 2v2 का एक्चुअली बात आ चुकी है यहाँ पर, और टनल्स में रहने वाले हैं R2H के दोनों प्लेयर्स, नेड किया गया है नीचे, टनल्स का एंट्रेंस खोला गया है, शायद यहाँ पर डिसाइड किया जाए बाहर आने का, अगर बाहर आते हैं तो ऊपर चढ़ना भी आसान रहेगा, बट देखना ये है कि क्या नीचे बैठ के हील बैटल की जाती है या फिर ऊपर आके फाइट ली जाती है।
अब यहाँ पर हील बैटल्स ही की जाएंगी क्योंकि पीएस को भी अंदाजा हो चुका है इस बात का कि बंदे ऊपर नहीं है, सारे प्लेयर्स नीचे हैं, दो जो भी दो बचे हैं। और आटो एच का यहाँ पर देखना पड़ेगा, 10 सेकंड है, 10 सेकंड के अंदर उनको डिसाइड करना होगा या फिर टनल के नीचे हील बैटल की जाए, हील बैटल गेम की जाए या फिर बाहर निकल के फाइट ली जाए। आटो एच इनसेन को शायद इस बात का इलम नहीं है कि एंट्रेंस पे कोई भी प्लेयर नहीं रहने वाला, दोनों ही प्लेयर्स ऊपर रहने वाले हैं, तो हेयर के साथ काम लिया जा सकता है। बट नहीं, उन्होंने डिसाइड किया है इस बात का कि हील बैटल की जाए। हील बैटल यूजुअली ऐसी जो सी है चीज दिखने को मिलती नहीं है, ऐसा सिनेरियो दिखने का मिलता नहीं है, और जैसा यहाँ पर हो गया है। अब देखना यह है कि कौन सक्सेसफुली हील बैटल करता है, टीम R2H या फिर टीम PS। आटो जीनो की तरफ से हील बैटल की जा रही है और इनसेन की तरफ से फाइट ली जाएगी। आटो एच इनसेन यहाँ पर रहेंगे और साथ जेनो रहेंगे। टीम PS ले चुकी है हील बैटल में विन और टीम PS आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने सर्वाइवल निकाला, लेकिन हील बैटल आई थिंक चोक कर दी गई आटोज की तरफ जानिब से। इससे बेहतर था कि फाइट ही ले ली जाती, हील बैटल पे ना जाते, बट उन्होंने डिसाइड किया सेकंड पोजीशन तो फिर भी थी, थोड़ा सा ब्रेव डिसीजन, ब्रेव एक्ट करते, बाहर निकलते, फाइट ले लेते अगर हील बैटल में, अगर वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं थे। लेकिन हील बैटल में उन्होंने मिस कर दिया, हील बैटल का अगर डिसाइड किया था तो स्ट्रॉन्गली हील बैटल करनी चाहिए थी, बट होता है पार्ट ऑफ गेम, कभी आप से गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। सो सेकंड पोजीशन R2H, फर्स्ट पोजीशन PS ले चुकी है पहले तीन मैचेस खराब जाने के बाद। जो सा है R2H भी इतना परफॉर्म नहीं कर सकी थी, सो इन दो टीम्स की तरफ से फाइट बैक की गई है। बट साइफर की यहां पे तारीफ करनी पड़ेगी अच्छी खासी, क्योंकि साइफर के पास 6 किल्स हैं, 6 किल्स जो से हैं साइफर के पास सिंगल हैंडेडली रहेंगे। और सो अपने टीम को उन्होंने 12 पॉइंट्स जो से हैं किल्स के दिलवाए हैं, राजौड़ के पास भी 2 किल्स हैं। सो कुल मिला के इस टीम के पास जो से हैं किल्स वो 16 रहने वाले हैं किल्स, और जो सा एक विनिंग है उसके पॉइंट्स भी इनके पास, सो 26 पॉइंट्स इनके पास आ चुके हैं इस मैच के। R2H की बात करें तो 3 किल इनसेन के पास, 1 किल कॉन्सेप्ट के पास, 1 किल जेनो के पास, तो 6 किल्स एंड 12 पॉइंट्स किल पॉइंट्स इनके पास आ चुके हैं। एंड वन यहां पर पोजीशन पर प्ले करती हुई नजर आई मानी की तरफ से, बहुत शानदार गेम प्ले किया गया। पहले उन्होंने सिमिंग गेमिंग को डाउन किया, फिर ट्रॉट को डाउन किया, फिर उन्होंने फ्लैश को T13 को उन्होंने नॉकआउट किया, 1v3 किया। बट जो सा है राजौड़ की तरफ से आखिरी प्लेयर को उन्होंने नॉक किया और एक किल चुराया, उसी के साथ जो सा है टीम नस वाइप आउट हो गई। मैन पावर उनके पास कंप्लीट थी, नजर आ रहा था कि ये शायद चिकन ले जाए, लेकिन उसी के साथ जो सा है उन्होंने दो टीम्स के दरमियान फाइट ली और थोड़ा सा अग्रेसिव नजर आई टीम N1। उन्होंने टीम नस को काफी डैमेज किया, लेकिन किल्स उनके पास अच्छे खासे हैं, 5 किल जो से हैं गेमिंग एंड नस गेमिंग एंड नॉट नाउ के रहेंगे, 4 किल्स रहेंगे फ्लैश को एंड T13 के। सो ओवरऑल यही एक मुकाबला था आज के 4 मैचेस का, जो के फाइनल्स यहां पर रहेंगे रमदान कप के स्ट्रीमर्स शो डाउन के, और यहां पर टॉप 2 टीम्स ले जाएंगी फाइनल्स की सीट, और सेकंड विनिंग टीम जो सी होगी वो सेमीफाइनल्स में मूव ऑन कर दी जाएगी। उनको कंप्लीट टूर्नामेंट प्ले नहीं करना होगा, तो एक अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है कि सीधा डायरेक्ट प्ले फाइनल एंड सेमीफाइनल प्ले किया जाए। जी एंड वेल प्लेड PS मुजरिम का स्क्वाड यहां पर बहुत आउट क्लास परफॉर्म किया है। 2 प्लेयर्स अर्ली ऑन ड्रॉप क्लैश के नतीजे में फिनिश ऑफ हो गए थे, लेकिन दो प्लेयर्स की तरफ से मैच को कंटिन्यू किया गया। साइफर की तरफ से 6 किल्स निकाले गए, राजौर की तरफ से 2 किल निकाले गए, और चिकन भी एट द एंड लिया गया। वेल आज का यही एक नतीजा था 4 मैचेस का।
एंड आई होप आप सबने देखने वालों ने एंजॉय किया होगा मेरे साथ जो बने रहे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब. और इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया गया है बाय बेट पर प्लेज ई स्पोर्ट्स एंड R2H वन शॉट. उनके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, उनको भी आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं. और इस टूर्नामेंट की रजिस्ट्रेशन स्टिल ओपन, आप रजिस्टर करके प्ले कर सकते हैं. जो अभी तक क्वालिफाई नहीं कर पाया और इसमें भी टॉप टू क्वालिफाई के अलावा बाकी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं वो स्टिल प्ले कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करके. तो अभी तक आपके पास चांस है. ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी थी टीम्स के लिए, स्ट्रीमर्स के लिए, कि वो फाइनल्स में प्ले कर सकें और अगले टूर्नामेंट्स के डायरेक्ट दो राउंड्स में जो है वो टूर्नामेंट फिनिश कर सकें. सो यही था आज का मैच. आप देख रहे थे रमदान कप का स्ट्रीमर शोडाउन. मैं था पावर शो आई टी. आपको कल मिलेंगे डे टू में सेम टाइमिंग के साथ. अल्लाह हाफिज़.
Turn it on.